आप सभी का आज के इस व्याख्यान में स्वागत है। संस्कृत विभाग एसटी कॉलेज सनातन धर्म कॉलेज अंबाला छावनी द्वारा आयोजित इस व्याख्यान का विषय संस्कृत शास्त्रीय नॉन ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स विद स्पेशल रेफरेंस टू सिद्धार्थ एंड a short story written by Voltaire. It's a good Brahmin. हिंदी में इसे कहेंगे कि आंग्ल भाषी उपन्यासों का संस्कृत शास्त्रीय अपारंपरिक साहित्यालोचन का प्रारूप, विशेष रूप से हरमन हेस के सिद्धार्थ और वोल्टेयर की लघु कथा ए गुड ब्राह्मण, उसके विशेष संदर्भ में आज का ये व्याख्यान संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। सामान्य रूप से इस विषय को वेबिनार के रूप में हमें लेना होता है और लेते भी हैं, लेकिन कुछ एक कारणों से इसको केवल व्याख्यान के रूप में रखा गया है। और आप लोगों से निवेदन है कि धैर्यपूर्वक इसे और आलोचनात्मक दृष्टि से इसे सुनकर के आप इसके ऊपर अपने सुझाव, अपनी आलोचनाएं, समालोचनाएं, जो भी आप की प्रतिसंवेदन या प्रतिक्रियाएं हो, वो आप हमारे साथ साझी कर सकते हैं। इसके साथ जुड़ी हुई जो बात है कि संस्कृत विभाग के द्वारा ये बड़ा एक दुस्साहसपूर्ण विषय लिया गया है, और दुस्साहसपूर्ण इसलिए है कि संस्कृत का कोई व्यक्ति, संस्कृत का कोई विभाग अंग्रेजी की बातों के ऊपर कोई उसके ऊपर टीका टिप्पणी करे, उसका समालोचना करे, ये आसानी से हजम होने वाली बात नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजी को इस देश में और मान्यता प्राप्त हुई है और जिस तरह से उसका प्रभाव इस वक्त हमें देखने में आता है, तो वहाँ पर अंग्रेजी के लोग अगर वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से अगर इन लिटरेचर का मूल्यांकन करते हैं तो वो तो स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन अगर उस वेस्टर्न लिटरेचर को और वेस्टर्न प्रभाव से लिखे जा रहे लिटरेचर को और उस भाषा के बारे में को भारतीय संदर्भों में कोई टिप्पणी करने का प्रयास करे तो वो शायद उतना स्वीकार्य नहीं होगा। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है, यदि आपको ये आपकी बौद्धिकता को अस्वीकार्य हो तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है, और यदि स्वीकार्य है तो आप उसके ऊपर अपनी टीका टिप्पणी देने के लिए स्वतंत्र हैं और उसका हम स्वागत भी करते हैं, और ये चर्चा है भी इसी के लिए। दूसरी बात इसके साथ जो संबंधित है कि जब इस तरह का विषय लिया जाता है तो उसमें बहुत कुछ संदर्भ ये भी रहता है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये विशेष संदर्भ रहता है कि हम भारतीयों ने अपने दृष्टिकोण से इन सब बातों को, जो कुछ भी हमारा मेन नरेटिव भारतीय समाज में और एकेडमिक स्फीयर में जो प्रचलित हुआ है, किया गया है विशेष रूप से पिछले 75 वर्षों में, तो उसको क्या हम भारतीय संदर्भों में समझ सकते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसी शब्दावली, हमारे पास कोई ऐसे सिद्धांत, ऐसे कोई अवधारणाएं हैं जिसके आधार पर हम कोई अपनी बात को प्रस्तुत कर सकें और उस दृष्टि से खड़े होकर के हम संसार भर के साहित्य का मूल्यांकन करना सीखें या प्रस्तुत करें? चुनौती तो नहीं देने की बात है, लेकिन एक विकल्प के रूप में हम ये बातें कर सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, संस्कृत विभाग ने ये आज का व्याख्यान रखा है और इस विषय को चुना है। और विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान देने वाली ये भी बात है कि इसमें ये एक नॉवल और एक शॉर्ट स्टोरी, इसी को क्यों चुना गया? हालांकि कुछ नॉवेल्स को और भी इसमें ऐडअप करना चाहते थे, लेकिन ये क्योंकि पहला व्याख्यान है, पहला मूल्यांकन है संस्कृत विभाग के द्वारा संस्कृत शास्त्र के आधार पर अंग्रेजी के लिटरेचर का, तो इसलिए फिर
जितनी टर्म्स, जितने कॉन्सेप्ट्स, जितनी अवधारणाएं इसमें यूज की गई हैं टेक्निकल टर्म्स, उनको समझने समझाने में थोड़ी सी कठिनाई आती। हालांकि संभव है कि बहुत सारे अंग्रेजी के जो भारतीय विद्वान हैं उन लोगों को इन सारी टर्म्स का, टेक्निकल टर्म्स का जो संस्कृत शास्त्र में प्रयोग होती हैं, उनसे परिचय हो, उनके संदर्भ भी पता होंगे, अर्थ भी पता होंगे। लेकिन इस तरह से प्रयोग करने का ये पहला जो प्रयास है, उससे परिचित होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और दूसरा, इस नॉवल को चुनने का ये भी कारण है क्योंकि इसमें ब्राह्मणों के बारे में बात की गई है। सिद्धार्थ मूलतः एक ब्राह्मण है, हरमन हेस ने, हरमन कार्ल हेस ने जब ये लिखा नॉवल, तो वो एक ब्राह्मण से शुरू करता है कि ब्राह्मण बालक है। आप सभी जानते ही हैं इस नॉवल को, नहीं भी जानते तो इसको आप पढ़ सकते हैं, आपके साथ हम समरी शेयर कर सकते हैं, और यदि इसको वेबिनार के रूप में हम करते तो निश्चित रूप से आपके साथ इसकी समरी जरूर शेयर करते इनविटेशन लेटर में। तो ब्राह्मणों के आधार पे लिखा गया ये एक उपन्यास है। और दूसरी तरफ जो कहानी है, गुड ब्राह्मण, वो तो सीधी ब्राह्मण के साथ ही है, वोल्टेयर की लिखी हुई। तो इसी तरह से जो संस्कार नॉवल है और जितने भी अंग्रेजी में लिखे गए ब्राह्मणों के आधार पे लिखे गए जितने भी नॉवेल्स हैं, उनको हम टेकअप करना चाहते थे क्योंकि ब्राह्मणों के प्रति एक जो रिजर्वेशन है, एक जो माइंडसेट और एक जो नरेटिव डिजाइन और डेवलप किया गया है केवल जाति और पाखंड के आधार पर, तो उसका एक अन्य पक्ष जिसको हमने दबा दिया, जिसको कभी हम चर्चा में लाने का प्रयास ही नहीं करते, तो उस बात को भी ध्यान में रखते हुए आज की इस चर्चा को हम आरंभ करने जा रहे हैं, आप लोगों के साथ साझा करेंगे। बाकी आप लोग अपनी अपनी आलोचना, अपना अपना विमर्श, जैसे आपकी इच्छा है वो हमारे साथ कमेंट्स के रूप में भी साझा कर सकते हैं YouTube के ऊपर, और अगर चाहें तो आप व्यक्तिगत रूप में भी इन चीज़ों के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है। संस्कृत विभाग ने अभी तक लगभग 3 जो हैं वो नेशनल वेबिनार्स किए हैं संस्कृत और इंग्लिश के संबंधों को लेकर के, और ये एक तरह का चौथा वेबिनार है। तो उसी पृष्ठभूमि में धीरे धीरे चलते चलते और बहुत सारी बातों के साथ हम आज इस विषय पे चर्चा करने का हमने अपना मन बनाया है कि हम इन विषयों के ऊपर भी बातचीत करने का प्रयास करें। असफल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोबारा पुनरावलोकन करने में कोई संकोच नहीं है, असफल होने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि दोबारा उसके लिए तैयारी की जा सकती है, दोबारा समझा जा सकता है कि कहाँ दोष रह गए हैं, कहाँ पे छिद्र जो हैं जिनको भरा जाना है, और फिर उसको पुनः हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं आप लोगों के साथ भूमिका के रूप में, अगर ये वेबिनार करते हैं तो जो आपको इनविटेशन लेटर आता है उसके लिए जो एक छोटा सा नोट, इनविटेशन नोट जो था, वो जो लिखा गया था, वो आप लोगों के साथ साझा करने के बाद, शेयर करने के बाद मुख्य विषय की ओर हम अग्रसर होंगे। और मुख्य विषय को हम लोगों ने, संस्कृत विभाग ने जिस तरह से बांटा है, वो है कि उसकी जो पूर्व पीठिका है, भूमिका है, कि इस तरह के विषय को हम लोग संस्कृत की ट्रेडिशन में किस तरह से समझते, जानते और प्रस्तुत करते हैं, और फिर कैसे मुख्य विषय पर आते हैं और फिर कैसे उसको कंक्लूड करते हैं। तो वो सारा जो विषय है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले कि जो इनविटेशन हम लोगों ने बनाया था संस्कृत विभाग ने, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ ये 2 पंक्तियां एक स्लाइड में शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ कि व्हाई वी वांटेड टू होल्ड दिस सेशन, दिस लेक्चर। सो व्हाई द एम्बिवेलेंट रिलेशनशिप ऑफ संस्कृत एंड इंग्लिश हैज रिमेन टेंस ओवर 3 सेंचुरीज बट रिमेन्ड इंटरेक्टिव सिंस इंग्लिश केम टू डू बिजनेस एंड मूव्ड ऑन टू रूल इंडिया एंड इंडियन माइंड।
एंड एट द सेम टाइम दे एक्सप्लोर्ड एंड ट्रांसलेटेड संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर आर्ट कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशन बाय विच दे वर फैसिनेटेड बाय दिस नॉन रीजनल लैंग्वेज एंड नॉट ओनली दिस दे ऑल्सो डिवेल्प नरेटिव सुटेबल टू देम विच वॉज फॉलोड बाय टू सेक्शंस ऑफ इंग्लिश राइटर्स वन हु मेड इट अ पॉइंट टू कंडेम एंड डिनाउंस एंड ह्यूमिलिएट संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर वेयर एज द सेकेंड सेक्शन ऑफ राइटर्स नॉट ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोर्सेज ऑफ संस्कृत ट्रेडिशन बट ऑल्सो एक्सप्रेस देमसेल्स इन ए सेंसिबल एंड मीनिंगफुल मैनर. So this love-hate relationship between English and Sanskrit has given an idea to the Department of Sanskrit to develop its own discourse of literary criticism in its own terms, concepts to evaluate English writings. So ये एक पृष्ठभूमि थी जो हम लोग संस्कृत विभाग आप लोगों के साथ आप लोगों को वेबिनार में आमंत्रित करने से पूर्व आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था. और इसके साथ एक पूरा जो है वो एक फाइल तैयार की थी जिसमें ये वॉल्टेयर की स्टोरी और सिद्धार्थ नॉवल की फुल समरी जो है वो हमने उसमें साझा करने का सोचा था, लेकिन कारणवश वो अभी नहीं संभव है. लेकिन अगर वो अपेक्षित हो किसी को भी तो वो हम साझा कर सकते हैं. तो अब मुख्य विषय की ओर हम अग्रसर होते हैं, जहां से हम ये देखेंगे कि किस तरह से संस्कृत की परंपरा में बात को किसी विषय को प्रारंभ किया जाता है, किस तरह से उसकी स्थापना की जाती है, किस तरह से उसको विषयों में उप विषयों में विभाजित किया जाता है और फिर किस तरह से उसको समराइज और कंक्लूड किया जाता है, टिप्पणियां की जाती हैं, वो सारा विषय जो है वो आप लोगों के साथ लगभग अगले 35-40 मिनट के भीतर भीतर संस्कृत विभाग आप लोगों के साथ मूल्यांकन के लिए, आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके प्रति संवेदनों के लिए प्रस्तुत करता है. तो निश्चित रूप से आप लोग अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं एक श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कालिदास. अगर आप लोगों ने कहीं नाम सुना है या उससे कोई परिचय है तो उनके अभिज्ञान शाकुंतल का प्रथम श्लोक है, वहीं से मैं अपनी बात आरंभ करना चाहूंगा कि प्रयोग विज्ञान को आप लोग शब्द जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स नाम दे सकते हैं. सामान्य रूप से उसका कोई हिंदी अनुवाद सही रूप में नहीं मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए है वो प्रयोग विज्ञान शब्द ज्यादा उपयुक्त है. तो उसका संदर्भ मैं आपको इसी श्लोक में स्पष्ट कर दूंगा. अपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मनि अप्रत्ययम् चेतः. उसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो है, अंटिल द वाइज आर सेटिस्फाइड आई डू नॉट कंसिडर माई नॉलेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी परफेक्ट. द हर्ट ऑफ मैन मैन although well instructed has no confidence in itself. इसका मतलब है कि जब तक जो विद्वान लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो जब तक कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेकर के किए जा रहे प्रयोग विज्ञान जो है, नाटक आदि जो हैं, उनके विषय में ये कह रहा है कि जब तक वो लोग इस बात के साधु ना कर दें, जब तक वो इस बात को स्वीकृति प्रदान ना कर दें, मान्यता प्रदान ना कर दें, तब तक जो है बहुत अधिक शिक्षित व्यक्ति भी, बहुत अधिक ट्रेन और ज्ञानी व्यक्ति भी अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाता, उसको साधु नहीं माना जाता उस प्रयोग विज्ञान को. तो ये जो हम मॉडल आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं, प्रारूप आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं, तो जब तक आप लोग इसको स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को अपने पर भरोसा नहीं है, हमें अपने पर विश्वास नहीं आएगा, एक अविश्वसनीयता का भाव बना रहेगा जब तक आप लोग इसका मूल्यांकन करके इसे ओके नहीं कर देते, जैसे आजकल की हम भाषा में कहते हैं. अब इस प्रयोग विज्ञान के तीन पक्ष हैं कि इस प्रयोग विज्ञान को हम प्रस्तुत कैसे करेंगे परंपरा गत रूप में.
तो संस्कृत विभाग की जो परंपरा है उसमें तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहला शास्त्र, दूसरा युक्ति, तीसरा अनुभव। कोई भी बात, कोई भी प्रस्तुति जो है वो सिस्टम ऑफ नॉलेज के बगैर नहीं होती। उसमें रीजनिंग का रहना बहुत जरूरी है और एक्सपीरियंस, ये तीसरा जो है ये महत्वपूर्ण पक्ष रहता है। और साथ ही साथ चार बातें और बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो आप एक्स एक्सिस पे देख पा रहे हैं। वो है कि यूटिलिटी, मीनिंगफुल और रेलिवेंट होना, ये तो है ही है, ये तो प्री कंडीशंस हैं ही हैं। और साथ ही साथ उसका अप्लाइड होना, व्यवहार परक होना, ये और भी आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं कि संस्कृत की परंपरा जो है किसी भी विषय को प्रस्तुत करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर इन बातों को सबसे पहले स्थापित करती है और फिर उसमें भी वो मूल्यांकन के लिए आपको आमंत्रित करती है कि आप उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं, स्वीकृति या अस्वीकृति, या आप कोई उसमें सुझाव देना चाहते हैं, उसको फाइनली ट्यून अप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका वो स्वागत करती है। चलिए इस बात को और थोड़ा सा गहरे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ वो नींव है, ये विषय की नींव है। इसके ऊपर हम मॉडल खड़ा करेंगे, इसके ऊपर मॉडल की जो बिल्डिंग है उसको हम खड़ा करेंगे, लेकिन पहले ये नींव की जो ईंटें हैं उनको हम ठीक से व्यवस्थित कर लें, नहीं तो मॉडल जो है वो डगमगाता रहेगा। अब जब इस तरह का हम विद्वानों को आमंत्रण देते हैं कि आप हमारी बात का मूल्यांकन करें, तभी हम इस प्रयोग विज्ञान को साधु मानेंगे, स्वीकृति प्रदान करेंगे। तो उसी संदर्भ में वो ये भी कहता है कि जब हम इस तरह के विषय को लेते हैं तो यदस्ति नास्ति इति एष संशयः परस्य वाक्ये न ममात्र निश्चय अवेत्य तत्त्वं तपसा शमे न स्वयं गृहीष्यामि यदत्र निश्चितम्। बड़ा सरल सा अर्थ मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका, कि क्या है और क्या नहीं है। ये जो संशय होता है, यह एष संशय, ये जो संदेह रहता है उसमें परस्य वाक्य न ममात्र निश्चय, दूसरों के वाक्यों के द्वारा मेरा निश्चय नहीं होता। मैं निश्चय इस बात के लिए नहीं करूंगा कि मेरे टीचर्स ने, मेरे दूसरे लोगों ने, बड़े लोगों ने क्या इस किसी विषय के बारे में निर्णय कर दिया है। मैं स्वयं अवेत्य तत्वम तपसा शमेन, मैं तत्व को अपनी तपस्या और परिश्रम और अपने ऊपर नियंत्रण के द्वारा स्वयं गृहीष्यामि, स्वयं ग्रहण करूंगा यदत्र निश्चितम, जो कि इसमें निश्चित होगा। तो क्या है और क्या नहीं है उसके बारे में जो निर्णय करना है, उसको जो जानना है, उसको जो समझना है, वो अपने परिश्रम और अपनी मेहनत से, तपस्या से होगा। और फिर साथ ही साथ दूसरी जो बात बड़ी महत्वपूर्ण, जिसे आप बोल्ड डिक्लेरेशन कहते हैं अंग्रेजी के शब्दों में, वो क्या है? स्वागमम राग मात्रेण द्वेष मात्रात पराक्रमम न श्रेयामः त्यजामो किंतु मध्यस्थया दृशः। न तो हम उसे स्वीकार करेंगे कि अपना हमारा आगम है, हमारा अपना सिद्धांत है, इसलिए उसके प्रति राग की भावना रखेंगे कि नहीं, उसी को हमने सिद्ध करना है, उसको ही हमने स्थापित करना है, ऐसा नहीं है। और द्वेष मात्रात परागमन, और दूसरों का परागम, दूसरों का सिद्धांत, दूसरों की परंपरा द्वेष मात्र के कारण हम उसको अस्वीकार कर दें, ऐसा भी नहीं है। न श्रेयामो त्यजामो वा, हम ना तो उसे ग्रहण करेंगे न उसे अस्वीकार करेंगे, किंतु मध्यस्थ दृष्टि, लेकिन मध्यस्थ दृष्टि से उन दोनों बातों को देखेंगे, अपने आगम को भी, परागम को भी, दूसरों के सिद्धांतों को भी मध्यस्थ दृष्टि से देख करके जो उसमें युक्ति युक्त होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। और ठीक यही बात हरमन हेस जो है वो सिद्धार्थ नॉवल में कहता है, सिद्धार्थ के माध्यम से, आई शैल नो लॉन्गर बी इंस्ट्रक्टेड बाय द योगा वेद और अथर्ववेद और द एसेटिक्स और एनी अदर डॉक्ट्रिन वट सो एवर, आई शैल लर्न फ्रॉम माई सेल्फ, बी ए पीपल ऑफ माई सेल्फ, आई शैल गेट टू नो माई सेल्फ द मिस्ट्री ऑफ सिद्धार्थ। ही लुक्ड अराउंड एज इफ ही वर सीइंग द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आप देख सकते हैं कि लगभग बिल्कुल वही भावना, वही बातचीत, वही जो बात है जो कि यदस्ति नास्तीति वाले श्लोक में कही गई है, वही बिल्कुल
अनुवाद जो है वो सिद्धार्थ नॉवल में हमें हरमन हेस के द्वारा मिलता है, 1922 का लिखा हुआ ये नॉवल। अगली बात करने से पहले एक बात और जो ध्यान में आ रही है वो भी मैं कर दूं कि इतना बड़ा ये जो दुस्साहस है इस तरह के टॉपिक को लेने का, उसमें ये बात भी मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि संस्कृत विभाग ने अंग्रेजी के काफ़ी उपन्यासों को पढ़ा है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को उतना नहीं पढ़ा है, ना उसकी कोई इतनी बड़ी आवश्यकता कभी लगी बहुत अधिक, लेकिन अपनी जानकारी के लिए मोटे तौर पर ज़रूर उसको थोड़ा देखा है। लेकिन जो कई मुख्य जो उपन्यास हैं उनको भी देखा है, और इसलिए उसके ऊपर टिप्पणी करने का हम साहस कर पा रहे हैं। और विशेष रूप से जो वॉर नॉवेल्स लिखे गए हैं, वो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लेकर के लिखे गए, वियतनाम वॉर को लेकर के, और जब ये इराक वॉर और अफगानिस्तान वॉर को लेकर के लिखे गए, इस तरह के वॉर नॉवेल्स को तो विशेष रूप से भी पढ़ा है, लेकिन उसके अतिरिक्त जितने भी स्टैंडर्ड नॉवेल्स लिखे गए हैं, अरब इसराइल वॉर को लेकर के और कुछ अन्य जो नॉवेल्स हैं उनको भी हम लोगों ने देखा है। इसलिए उनमें से एक नॉवेल जो है पर्टिकुलरली, जो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो जिन्हें बहुत मान्यता प्राप्त हुई है, ऐसे नॉवेल्स को भी हमने देखा है, पॉपुलर नॉवेल्स को भी संस्कृत विभाग ने पढ़ा है और देखा है, लेकिन वो केवल रुचि मात्र के लिए उसको पढ़ा था, क्योंकि वो एक चारों ओर उस विषय के बारे में बात होती है, चर्चा होती है, तो उसको पढ़ लेना ठीक ही रहता है कि ऐसे नॉवेल्स को हम पॉपुलर नॉवेल्स को हम पढ़ जरूर लें। तो ये सिद्धार्थ उनमें से एक है, तो इसलिए इसके बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि चाहता तो मैं था कि इसके बीच में हम लोग संस्कार नॉवल को भी ले लेते, अंकुली नॉवल को भी इंक्लूड कर लेते, उधर से गाइड को भी ले लेते, और हेमिंग्वे के नॉवल को भी, फॉर हुम द बेल टॉल्स, और उधर से रशियन नॉवल, कई सारी चीज़ों को हम ले सकते थे, लेकिन ये है कि फिर उससे जो फोकस है मॉडल के ऊपर वो नहीं रहता, क्योंकि इस वक्त विषय जो है वो मुख्य विषय हमारा मॉडल की प्रस्तुति है, और सिद्धार्थ को हमने केवल एक उदाहरण के रूप में लिया है। निकट भविष्य में अगर ये हमारा जो व्याख्यान संस्कृत विभाग का है, अगर ये सफल रहता है, तो निश्चित रूप से जितने भी नॉवलिस्ट हैं, जितने भी और हमारे पास जानकारी रहेगी लिटरेचर की, उसको हम इस मॉडल के आधार पर उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, और इस मॉडल को ट्यून अप करने की भी कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है इस मॉडल में कई जगह पर आपको फ्रेम जो है वो थोड़ा लूज लगे, और अजीब तो निश्चित रूप से लगेगा, क्योंकि इस तरह का प्रयोग मुझे नहीं लगता कि पहले कभी किया गया है, और ऑब्वियसली इसमें साहस की भी आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए लौट करके विषय की ओर आते हैं। तो सामान्य रूप से एक बात को और ध्यान रख लें कि जैसा कि मैंने पहले भी बीच में आपको से बात की कि संस्कृत को सामान्य रूप से जो सोशल साइंटिस्ट और अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने वाले लोग होते हैं, और इवन पंजाबी पढ़ने वाले लिखने वाले लोग भी, वो चार पांच तरह के उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, और वो आरोप क्या होते हैं, एक तो चरित्रगत कि देखो इसमें पुराणों की कहानियों को लेकर के उन दोषों को, वो चरित्रों के दोषों को, कैरेक्टर्स के दोषों को वो जाहिर करते हैं और सिद्ध करते हैं कि ये बड़ा पिछड़ा हुआ और व्यभिचारी साहित्य है। स्त्रीगत आरोप लगते हैं कि स्त्री विरोधी है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं जो वुमेन एसोसिएशंस हैं या वुमेन सेंटर होते हैं, वो लोग बिना ये जाने कि वुमेन और स्त्री एक बात नहीं होती, वुमेन का अर्थ स्त्री आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि संस्कृत शास्त्रों में लगभग 300 के करीब स्त्री के लिए, वुमेन स्त्री के शब्द आपको मिलते हैं, पर्यायवाची मिल जाएंगे जो विभिन्न आयामों को बताते हैं, लेकिन अंग्रेजी में वुमेन जो है विच कम्स आफ्टर द मैन,
उसके बारे में हम जब बात करेंगे तो वो बात संगत नहीं बैठती। लेकिन क्योंकि मान लेने की एक बात होती है कि वुमेन का मतलब स्त्री और स्त्री का मतलब वुमेन, ये हमने पढ़ लिया और कभी हमने इस विषय में विचार किया नहीं। तो वुमेन है, लेडी है और फीमेल है, ये जो भाषा अंग्रेजी में है उसके पीछे एक पूरा एक दृष्टिकोण, इतना तरह का इतिहास है जो कि भारतीय शब्दों के इतिहास के साथ तालमेल नहीं बैठता। क्योंकि स्त्री कभी भी पुरुष के बाद नहीं आती, लेकिन वुमेन जो है वो इट ऑलवेज कम्स आफ्टर द मैन। और उसके प्रमाण भी उपलब्ध हैं, और वो जब हम बातचीत करेंगे कभी तो वुमेन एम्पावरमेंट और ये वुमेन फ्रीडम के बारे में, वुमेन राइट्स के बारे में, तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स आल्सो। तीसरा जो आरोप लगता है वो जातिगत, कि संस्कृत के लोगों ने, ब्राह्मणों ने जाति बना दी बिना ये जाने कि जाति क्या है। हालांकि इस दोष से कोई भागने वाली बात नहीं है, कोई एस्केप करने वाला कुछ नहीं ही है, लेकिन जाति को जिस अर्थ में समझा जा रहा है उस जाति के कई और आयाम हैं, उनको भी जानना और समझना है। और चौथा पाखंड और ब्राह्मणवादी, यही आक्षेप लगते हैं सामान्य रूप से। इससे ज़्यादा कोई संस्कृत पे आक्षेप लगाने वाली कोई बात हो तो वो आप लोग हमारे साथ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो लोग, जो कम्युनिस्ट, सेकुलरिस्ट और ये जो वुमेन फ्रीडम की बात करने वाले फेमिनिस्ट लोग हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, उन लोगों के बारे में गौतम जो हैं वो कहते हैं हरमन हेस के माध्यम से, हरमन हेस उनके माध्यम से ये कहता है, यू नो हाउ टू स्पीक क्लेवरली माई फ्रेंड, बी ऑन गार्ड अगेंस्ट टू मच क्लेवरनेस। तो जिस तरह के ये आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, बिल्डअप किए जाते हैं, नरेटिव डिजाइन किए जाते हैं, तो वो अपनी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए वो करते हैं, बट दे शुड गार्ड अगेंस्ट टू मच क्लेवरनेस। सो ये मुझे कहनी ही है बात, और मैं इस बात का, इन बातों को हम फिर कभी टेकअप करेंगे। अब इससे पहले कि हम संस्कृत के इस मॉडल की बात करें, सो लेट मी डिफाइन व्हाट संस्कृत इज, हाउ द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत डिफाइन इटसेल्फ, लेट मी शेयर विद यू। एज संस्कृतिस्ट वी आर नॉट बिलीवर्स बट सीकर्स। यू कैन लुक एट द ट्रेडिशन, सो मैनी क्वेश्चन, सो मैनी आंसर्स, अगेन देयर आर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन एंड क्वेश्चन, यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू द गॉड्स, डीटीज एंड एवरी गुरु। सेकेंडली, इग्नोरेंस इज अनलिमिटेड एंड नॉलेज इज लिमिटेड। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दीज फैक्ट्स टू यू मोर। विद लिमिटेशंस ऑफ बॉडी एंड माइंड व्हेन वी ट्राई टू ग्रास्प बाउंडलेस देन प्रॉब्लम अराइजेस। एंड फोर्थ इज, बॉन्डेज इज अ प्रॉब्लम बट फ्रीडम इज अ ग्रेटर प्रॉब्लम। फिफ्थ डेफिनेशन इज, मैन इज नॉट डिफाइंड बट एनिमल इज डिफाइंड। सिक्स्थ इज, विद हंगर यू हैव वन प्रॉब्लम बट टमी फुल यू हैव हंड्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स। सेवन्थ इज, ऑल नॉलेज इज विद इन यू। एंड एट्थ इज, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग न्यू एज एवरीथिंग इन द नेम ऑफ न्यू इज द रीप्रोडक्ट ऑफ द डाटा यू ऑलरेडी हैव। एंड नाइन्थ इज, थॉट्स आर जस्ट साइन पोस्ट नॉट द अल्टीमेट। टेंथ इज, ट्रूथ इज वर्बल ट्रूथ एंड एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ। इलेवेंथ इज, थिंग्स विच आर ट्रू मे नॉट एग्जिस्ट लाइक मैथ्स। ट्वेल्थ इज, लैंग्वेज इज आइदर एग्रीडियन और मार्केट। थर्टीन, व्हेन वी आर हैप्पी वी नेवर आस्क व्हाई वी एग्जिस्ट और व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। एंड लास्ट फोर्टीन, पीस इज प्राइमरी एंड वेल बीइंग इज अल्टीमेट। सो संस्कृत शास्त्र की, संस्कृत परंपरा की ये धुरियां हैं, दो धुरियां हैं, एक पीस इज प्राइमरी, वी स्टार्ट विद द पीस एंड वी समराइज विद द वेल बीइंग। सो वेल बीइंग इज द अल्टीमेट एंड पीस इज द प्राइमरी। सो दिस इज हाउ आई डिफाइन
माय डिपार्टमेंट, दिस इज द नेचर ऑफ माय संस्कृत डिपार्टमेंट। चलिए, व्हाई एट ऑल वी नीड संस्कृत शास्त्रीय मॉडल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन 21st सेंचुरी। बहुत इंटरेस्टिंग ये एक श्लोक है उत्तरामचरित में भभूति का। वो कहता है, लौकिका नाम ही साधुनाम साधुनाम अर्थम वागनु वर्तते ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती। उसके कहने का मतलब क्या है कि जो लौकिक सज्जनों की जो वाणी है वो अर्थ का अनुसरण करती है, कि जो उन लोगों ने कह दिया उनकी वाणी अर्थ का अनुसरण कर रही है, जो कहा जा चुका है उसको वो फॉलो अप करते हैं, उनकी लैंग्वेज मीनिंग को फॉलो करती है। लेकिन जो प्रधान ऋषि लोग थे वाणी का, उनकी जो वाणी का अर्थ अनुसरण करते हैं, कि जो उन्होंने कह दिया वो होगा, मीनिंग को उसको फॉलो करते हैं। तो दोनों ही बातों को समझने की बहुत बड़ी जरूरत है और इसको स्पष्ट कर लेने की भी जरूरत है कि जिस तरह से प्राचीन ऋषियों की हम बात करते हैं कि जो उन्होंने कह दिए शब्द वो अर्थ उसको फॉलो करता है, वो घटता है। इसीलिए उनके वरदान, उनके शाप, जो उन्होंने कह दिया वो घटा। ये एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, लेकिन बात इससे गहरी है, ये केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। लेकिन हम सभी लोग, उनके परवर्ती जितने भी लोग हैं, हम अर्थों का पीछा कर रहे हैं और अर्थों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हमारी वाणी, हमारा लैंग्वेज जो है वो सक्षम नहीं हो पाती, और बार बार हमें अपने ही शब्दों को समझाना पड़ता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। और इसीलिए हमारी वाणी के, हमारे कहे हुए के कितने कितने अर्थ निकलाते हैं, कितने कितने उसकी मिस इंटरप्रिटेशंस हो जाती हैं, ये आप सभी जानते हैं। और जो लोग मीडिया लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ते पढ़ाते हैं वो लोग इस बात को बहुत बेहतर से जानते हैं। सो यू कैन सी इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑल्सो हियर। With pious men of the world, their language follows the sense, whereas with seers of the old, the sense runs after their speech. So, keep this thing in mind. And then next comes a very bold declaration again. What is that? कि जब आप कभी आलोचनात्मक, जब आप कोई व्याख्यान देते हैं, तो सबसे पहले आपको ये declaration देनी है। क्या? तापात छेदात निक्षात ग्राह्यम मुद्वचः न तो गौरवात्, कि मेरी बातों को मेरे गौरव के कारण, क्योंकि मैं स्पीकर हूँ या मैं किसी अच्छी पोस्ट पे बैठा हूँ, इसलिए मत स्वीकार करना। वो क्या है? आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग विद माय स्टेटमेंट इन ए क्रिटिकल मैनर ओनली देन इट बी एक्सेप्टेड, नॉट बिकॉज आई एम ए ग्रेट पर्सन। Likewise, gold is checked for its purity by certain measures. कि उसको तपाएं, उसका छेदन, उसमें दोष निकालें, निक्षात, उसे घिसा करके देखें, तो प्रैक्टिस में उसको ला करके देखें, उसको तपाएं, और उसका छेदन का मतलब है उसमें दोष, उसको उसमें से, ये तीन पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर किसी भी व्याख्यान की आलोचना, समालोचना की जानी चाहिए। चलिए, जब आप व्याख्यान देने चलते हैं और इस तरह की बातचीत को आरंभ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सबसे पहले प्रश्न करने की सेंस होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग की सेंस। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस नहीं है फ्रीडम की, कि जहां पर आप कोई भी सवाल किसी पर भी उठा सकते हैं और उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। और जैसा कि हरमन है स्वयं कह रहे हैं सिद्धार्थ के रूप में, आई हैव ऑलवेज थर्स्टेड फॉर नॉलेज, आई हैव ऑलवेज बीन फुल ऑफ क्वेश्चंस। तो संस्कृत परंपरा में चार प्रकार के प्रश्न रहते हैं और ये प्रशिक्षण का भाग होते हैं, कि जब आप संस्कृत परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाते हैं तो वो आपको इस बात के लिए तैयार करता है कि आप प्रश्न कैसे करें, प्रश्न करने का तरीका क्या है, प्रश्न करने के स्तर क्या है। तो बहुत जल्दी से इस एक स्लाइड को हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है वो एकांश व्याकरणीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आप हाँ या ना में देते हैं, लाइक क्वेश्चंस विच ऑट टू बी एक्सप्लेन कैटेगोरिकली, यू हैव टू आंसर देम इन यस और नो। लाइक
हैज अ संस्कृतिस्ट राइट टू इवेल्युएट इंग्लिश लिटरेचर? यू विल आंसर इट, आइदर यू विल से येस और यू विल से नो. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक प्रतिपृच्छा व्याकरणीय. दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर यू पुट अ काउंटर क्वेश्चन टू आंसर इट. लाइक इज संस्कृतिस्ट एवेल्युएटिंग इंग्लिश नॉवल आफ्टर रीडिंग इट? देन द काउंटर क्वेश्चन प्रतिप्रश्न विल बी, डू यू थिंक संस्कृतिस्ट विल एवेल्युएट अ नॉवल विदाउट रीडिंग इट? एंड देन देर इज अ थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन, देर थर्ड काइंड ऑफ कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड स्थापनीय प्रश्न विच यू पुट असाइड. You don't like to answer that. They are irrelevant questions. Is Sanskritist capable of evaluating any English writing? So such kind of question I will put aside. I will not like to answer that at all. They are meaningless questions. And the fourth category is called Vibhajya Vyakaraniya question. And like these questions need to be clarified analytically. You have to give adequate specifications, clarifications, and many other things. So you cannot answer them yes or no. Like, what is the proposed model of Sanskrit Shastra-based literary criticism? So this is a fourth category, serious question, which we are going to deal with here. So before we proceed further, let us try to understand the language sensibility also. Sanskrit on y-axis and x-axis, you can see two lines. Y-axis pe aap Sanskrit ko dekh sakte hain, aham, aur usme niche asmi aap dekh pa rahe hain. Ye Sanskrit ka samanya vakya hota hai ki hum aham se shuru karte hain और अस्मि पे इसको समाप्त करते हैं. लेकिन इस अहम और अस्मि के बीच में सारे का सारा ब्रह्मांड समा जाता है. आप दुनिया भर की कोई चीज, ब्रह्मांड की कोई भी बात यहाँ पर ला सकते हैं, एडअप कर सकते हैं. इसलिए आपकी पर्सनैलिटी संस्कृत शास्त्र के हिसाब से या संस्कृत की कल्चर के हिसाब से एक इंटेग्रेटेड टोटल पर्सनैलिटी है, जिसमें खंडन विखंडन नहीं होता, संभावना नहीं है. क्यों? क्योंकि अहम और अस्मि कि आप अपने होने के भीतर ही सब कुछ समा लेते हैं. इसीलिए वो अहम ब्रह्मास्मि शब्द जो है, वो पंक्ति आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी. लेकिन दूसरी तरफ जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे देखते हैं, अंग्रेजी का पैटर्न क्या है, अंग्रेजी की कल्चर, आई एम एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पहले मैं और फिर उसका जो डिवीजन है वो क्या है, बाकी सारे संसार, बाकी रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एवरीथिंग. सो यहाँ पे डिवीजन जो है वो फंडामेंटल है. अंग्रेज संस्कृत की ट्रेडिशन में वो इंटीग्रेटेड है. सो जब आप इस तरह की भाषा में जो कुछ भी लिखेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, वो विभाजन में चला जाएगा और वहां पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाएंगी. जैसे कि मैं आप लोगों के साथ अभी बात करूंगा कि जैसे ही आई एम और अहम अस्मि, इन दोनों पक्षों से मैं जब किसी भी व्यक्ति को देखता हूं, एज ए डूअर, एज एंजॉयर और एज नोअर, द कॉम्प्लिकेशन, मैनी कॉम्प्लिकेशंस फॉलो और कॉम्प्लेक्सिटीज वहां पर अपने आप उभरती बनती चली चली जाती हैं. क्योंकि जब आपने डिविजन कर लिया है तो एज ए डूअर आप, यू हैव टू डील विद दैट, एज एन एंजॉयर यू हैव टू डील विद दैट, एज ए नोअर यू हैव टू डील विद दैट नॉलेज, डिवाइडेड नॉलेज. ठीक है, लेकिन इस तरह की समस्या आपको अहम अस्मि के बीच में देखने को बहुत कम मिलती है. क्योंकि ये पूरे का पूरा कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता, ये तीनों के क्या हैं, इंटीग्रेटेड रहते हैं. लेकिन अंग्रेजी में ये चीज इस तरह से संभव नहीं हो पाती. उसके बाद थोड़ा सा और इस बात को, क्योंकि नींव की अभी बात हम कर रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर ऊपर हमने खड़ा करना है, उस नींव में दो तीन बातें और ध्यान में रखने वाली हैं. क्योंकि जितने आप अभी तक अंग्रेजी नॉवेल्स को और शॉर्ट स्टोरीज जो भी
पढ़ा है उसके आधार पर ये कहना बड़ा कहा जा सकता है कि अंडर करंट्स ऑफ वेस्टर्न एंड वर्सेस संस्कृत लिटरेचर, कि दोनों के अपने अपने अंडर करंट क्या हैं। सामान्य रूप से जब हम देखते हैं और एजुकेशन सिस्टम में जो कुछ पढ़ा पढ़ाया भी जा रहा है, सोशल साइंसेज और जो बाकी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी ये बात हमें दिखाई देती है। एक तो वो ग्रीक वे ऑफ लाइफ से बड़े प्रभावित रहते हैं, यानी कि एक तरफ उनकी धुरी जो है वो ग्रीक वे ऑफ लाइफ है, जिसमें अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज एट वॉर विद गॉड्स। वहाँ देवताओं से छीन करके मनुष्यों को लाना पड़ता है, फिर देवता उनको सजा देते हैं, साजिशें हो रही हैं, तो कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल जो है वो, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देवताओं, गॉड्स में और ह्यूमन बीइंग्स में रहती है। तो वहाँ पर अचीवमेंट जो है वो निश्चित रूप से जो है वो सेलिब्रेट की जाती है कि आप कैसे गॉड से चीज़ों को बचा करके, चुरा करके लेकर के आए और आपने लोगों का भला कर दिया। सेकेंडली, उससे नीचे आप देखें अब्राहमिक वे, मैं बहुत ज़्यादा इसकी व्याख्या में नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि इस समय को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब्राहमिक वे जो है वो क्या है, टू फॉलो डिसिप्लिन एंड कमांडमेंट्स। इफ यू फॉलो डिसिप्लिन एंड यू फॉलो कमांडमेंट्स, ओनली देन द लीडर विल लीड यू टू अ प्लेस ऑफ मिल्क एंड हनी। सो ये दो चीज़ें आप टोटल एजुकेशन सिस्टम में, टोटल लिटरेचर में आप देख पाते हैं। जितने नॉवेल्स हमने अभी तक देखे हैं उसके अंडर करंट्स में यही बात देखने को आती है। और सिचुएशन कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड कहाँ से होती है, जब उसमें आप चार्ल्स डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और फ्राइड के जो सिद्धांत थ्योरीज हैं साइको एनालिसिस की और सेक्सुअलिटी की, और कार्ल मार्क्स का जो है वो इकोनॉमिक जो थिंकिंग है, और फिर उसमें क्राइस्ट का कंपैशन और वर्ल्ड वॉर्स, ये आकर के जब मिल जाते हैं इस सारे के बीच में, तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा होती है। तो जो सारे के सारे लिटरेचर को परिभाषित करते हैं कि वेस्ट का जो लिटरेचर है वो इन अंडरकरंट्स के आधार पे लिखा जाता है, बाकी ऊपर का स्ट्रक्चर जरूर वो बदलते रहते हैं। और उसके बीच में आकर के जो बाद में जो मिक्सअप चीज़ें हुई, वो रेवोल्यूशंस अगेंस्ट द चर्च अथॉरिटी, वर्ल्ड वॉर्स ऑब्वियसली उसके बाद हो ही चुकी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नॉलेज रेवोल्यूशन, ये सारे मिलकर के वो जो आज का हमें लिटरेचर बेस्ट का देखने को, इंग्लिश मैं बेस्ट भी नहीं कहता, इंग्लिश लिटरेचर तो देखने को हमें मिलता है, वो इस रूप में देखने को मिलता है। लेकिन जो संस्कृत की ट्रेडिशन है उसमें क्या है, सारे का सारा जोर जो है वो सारे का सारा पर्सपेक्टिव के ऊपर है, दृष्टिकोण के ऊपर है कि आप देखते कैसे हैं। और चार, ये पर्सपेक्टिव कहाँ से आता है, ये तीन पैराडाइम्स इसके हैं। पहला है पैराडाइम नचिकेतस, पैराडाइम है नचिकेता का, ये वो बच्चा है उपनिषद काल का, वैदिक काल का, जो अपने पिता के किए हुए कर्मों को देख करके अपने से प्रश्न करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो अपने पिता को पॉइंट आउट नहीं करता कि भाई मेरे पिता तुम ये गलत कर रहे हो, कुछ सही कर रहे हो, ये आलोचना नहीं करता, वो ये करता है कि मेरा मेरा दायित्व क्या है, मुझे क्या करना है। तो वो नाचिकेतस दृष्टि है, नाचिकेतस पैराडाइम है। दूसरा सत्यकाम का पैराडाइम है कि जैसा कहा गया है वैसा ही वो उसको प्रस्तुत कर देता है, कि सत्यकाम गुरु के पास गया कि मैं ज्ञान ग्रहण करना चाहता हूँ, गुरु ने उसको पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। सत्यकाम अपनी माता के पास जाता है 10-12 साल का बच्चा और पूछता है कि मेरे पिता कौन है, तो उसकी माँ बड़े साफ स्वच्छ शब्दों में ये कहती है कि मैं नहीं जानती, मैं तुम्हारी माता जाबाला हूँ और तुम जाबाला के पुत्र सत्यकाम हो, यही जाकर के अपने गुरु को बताओ। और वो बालक बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में जाकर के यही बात गुरु को बताता है, और गुरु उसे खुले मन से स्वीकार करता है कि मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा क्योंकि तुम्हारी वाणी में सत्यता है। तो ये देखने वाली बात है कि आज हम इंटेलेक्चुअल्स की वाणी में सत्यता कितनी प्रतिशत
रहती है, कितनी क्षमता है हमारे में सत्य की। और तीसरा जो पैराडाइम है वो है श्वेत केतु पैराडाइम। उसका मतलब ये है कि बहुत सारा ज्ञान लेकर के, बहुत सारे बौद्धिक ज्ञान लेकर के जब हम लौटते हैं, देखते हैं, तो सामने सवाल आता है, क्योंकि श्वेत केतु को भी यही प्रश्न उसके पिता ने किया। जब श्वेत केतु सारी डिग्रीज लेकर के आ गया गुरुकुल से, तो पिता ने देखते ही, उसके आचार व्यवहार को देखते ही उससे प्रश्न किया कि श्वेत केतु, क्या तुमने वो जान लिया जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है? और श्वेत केतु के पास कोई जवाब नहीं था। और तब उसके पिता की, उसने कहा कि अच्छा आओ चलो, हम इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, उसका उत्तर पाने के लिए हम जनक के पास चलते हैं। इन तीन पैराडाइम्स के आधार पर आपकी दृष्टि विकसित होती है। और वो संस्कृत ट्रेडिशन की क्या दृष्टि है, संस्कृत के कल्चर की वो दृष्टिकोण क्या है, उसको हम अब आगे देखते हैं। उस दृष्टिकोण को जानने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को अपना मूल्यांकन, हम सभी को अपना मूल्यांकन करना चाहिए। कैसे मूल्यांकन करना है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी टू एवेल्युएट लिटरेरी वर्क जो है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। अगर वो बेसिकली आपको ये चीज़ें आती हैं, ये सारी बातें आपको पता हैं, तो आप मूल्यांकन करने के अधिकारी हैं, नहीं तो अपने आप को आपको इम्प्रूव करना है। यहाँ सेंटर में आप स्वयं अपने को स्थापित करते हैं, और फिर यहाँ से आप, एक पक्ष भाषा का है, एक आपके कर्म का है, स्वतंत्रता, मैं अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर रहा, धर्म है, संबंध रिलेशनशिप है, विचार आपका, थॉट का लेवल क्या है, भाव, ज्ञान, ये आपका सरकमफ्रेंस है, और ये सेंटर में आप हैं। यहाँ से हर चीज़ के साथ आप जुड़े हुए हैं। अब इसमें से प्रत्येक को आप 16 के स्केल के ऊपर अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। यू कैन पुट ए डाउट डॉट हेयर हेयर वेयर एवर यू फील लाइक। तो लैंग्वेज के लेवल पर आप लैंग्वेज के कितने बड़े मास्टर हैं, 1 to 16 के स्केल पे यू कैन गिव योर सेल्फ मार्क्स एंड अकॉर्डिंगली पुट ए डॉट ऑन इट। वो आप 10 पे दे दीजिए, 8 पे दे दीजिए, 6, जो जो आप ठीक लगता है, आप खुद जानते हैं। उसी तरह कर्म को, कर्म के भी, कर्म में परफेक्शन आपकी कितनी है, उस बात को आप देखें कि आप अपने आप को कितने मार्क्स दे सकते हैं। उसी तरह स्वतंत्रता, फ्रीडम, इसको आपको यूज करने की कितनी सेंस है और कितने आप फ्री हैं, इस बात को जानने और समझने के लिए आप अपने आप को मार्क्स दे दीजिए। आप धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है योर सेंस ऑफ ड्यूटी जो है, उसकी बात है। तो उसके ऊपर भी आप कितने अपने आप को, आउट ऑफ 16 मार्क्स हाउ मेनी मार्क्स डू यू गिव योर सेल्फ, देन अगेन ऑन द रिलेशनशिप हाउ मेनी मार्क्स डू यू गिव योर सेल्फ, हाउ मेनी मार्क्स यू असाइन योर सेल्फ, और फिर विचार, थॉट का लेवल आपका क्या है, भाव का लेवल क्या है, इमोशंस का लेवल क्या है, नॉलेज का लेवल क्या है। जब आप इसके ऊपर अपने आप को मार्क्स दे लेते हैं, अपने को बिंदु लगा लेंगे, और उन सभी लाइंस को आपस में आप जोड़ दीजिए। अब जब इन लाइंस को आप जोड़ देते हैं, तो ये जो इनर सारा का सारा सर्कल है, इसको अगर आप देखें, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक आप इन चीज़ों से परिचित हैं, यहाँ तक की बातों को आप जानते हैं, और ये बाहर का जो एरिया है जितना भी, इतना आप नहीं जानते। तो इसका मतलब है कि इसको जानने की, इसमें इम्प्रूवमेंट करने की आपको ज़रूरत है। तो आपकी कंपिटेंसी का लेवल जो है वो ये डिफाइन करता है। तो इस आधार पर आप जो है किसी भी लिटरेरी वर्क को एवेल्युएट करेंगे। तो जब तक आप इनको इम्प्रूव नहीं करते, तो अपने को एवेल्युएटर के तौर पे लाना, मुझे लगता है कि वो कोई युक्ति संगत बात नहीं होगी। तो हम कैसे इसको बढ़ाएंगे और कैसे हम एवेल्युएट करेंगे, इसी को आगे हम देखते हैं। चलिए ये भी हम देख लें साथ में कि हु वॉन्ट्स टू नो एंड लर्न संस्कृत शास्त्रीय मॉडल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो संभावित है कि चार प्रकार के लोग होंगे। एक वो लोग जो पीड़ित होते हैं, आर्थ जिन्हें कहते हैं,
पीड़ित का मतलब क्या है कि इंटेलेक्चुअली उनको लगता है कि भाई संस्कृत की बात कैसे हो सकती है, जो हर बात में संस्कृत को लेकर के बड़े प्रेजुडिस्ड माइंड रहते हैं, कॉन्स्टिपेटेड माइंड रहते हैं। तो बेसिकली आप यूं ही समझ लीजिए कि जो कॉन्स्टिपेटेड माइंड्स हैं उस तरह के लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म संस्कृत शास्त्रों के आधार पे वो जानना चाहेंगे। सेकेंडली जो अर्थार्थी जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है कि आज हमने एक नया टॉपिक ढूंढ लिया है, एक नया तरीका देख लिया है, एंड टुमारो विल डिलीवर ए लेक्चर एंड विल गेट सो मच मनी लाइक दिस, ठीक है। सो एक वो होते हैं। तीसरी तरह के लोग जो होते हैं वो होते हैं जिज्ञासु, जो इंक्वायरर्स होते हैं, जो जानना चाहते हैं, जिसमें मैं अपने आप को भी रखता हूँ। और तीसरी तरह के लोग ज्ञानी होते हैं, जो नॉलेजेबल होते हैं, पर्सन और फुल ऑफ विजडम। तो उसके बारे में हरमन हेस स्वयं कहते हैं, एंड द वेसल वॉज नॉट फुल, हिज इंटेलेक्ट वॉज नॉट सेटिस्फाइड, हिज सोल वॉज नॉट एट पीस, हिज हार्ट वॉज नॉट स्टिल। सो यदि आप इस जिज्ञासु वाली कैटेगरी में विद्यमान हैं तो निश्चित रूप से आप प्रशंसा के पात्र हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने आप को पुटअप करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस मॉडल को वैल्यूएट कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब ये भी है कि प्रयोजन भी देख लें कि व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम द संस्कृत शास्त्रीय नॉन ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो आप सिद्धार्थ को पढ़ करके या गुड ब्राह्मण इसका पढ़ करके फिर क्या होगा, क्या सीखेंगे आप? तो उसमें दो बातें हैं। पहली बात तो है कि आप बॉन्डेज टू फ्रीडम की बात को समझ पाएंगे कि हर तरफ आदमी बंधन में है, उस बंधन से मुक्ति का तरीका क्या है या मुक्ति के अर्थ क्या है, वो जो है उसको जानना और समझने का आपको मौका मिलता है। और साथ ही साथ ये भी आपको मौका मिलेगा कि व्हाट टू डू विद योर फ्रीडम। अगर आप फ्री हो जाते हैं देन व्हाट विल यू डू विद योर फ्रीडम। और यही इस वक्त दुनिया भर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है कि टेक्नोलॉजी ने आपके इकोनॉमिक चीज़ों ने जो फ्रीडम का दे दी है आपको, उस फ्रीडम का आपने करना क्या है, उसको यूज़ क्या करना है, और यही बहुत बड़ी चुनौती बन गई। सेकेंडली आपको ये एक बात समझ में आती है कि कंपल्सिव चॉइसेस और कॉन्शियस चॉइस, ये एक अंतर करना आता है कि मैं कहाँ तक कंपल्सिव चॉइसेस में फंसा हुआ हूँ और कहाँ मैं कॉन्शियस चॉइस मुझे करनी सीखनी है। सो आप जो है यू कैन ट्रेवल फ्रॉम कंपल्सिव चॉइस टू, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर कंपल्सिव चॉइस इनटू कॉन्शियस चॉइस। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जीवन की होती है। सेकेंडली थर्डली नेचुरल चेंज एंड डायरेक्टेड चेंज, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। कि नेचुरल चेंज तो होनी ही होनी है, चाहे वो आपके जीवन की हैं या बाकी सब बातें हैं, उसके साथ साथ आपने जो डायरेक्टेड चेंज है वो कैसे लानी है। जैसा कि अगर आपने ये नॉवल पढ़ा है तो आप उसमें ये चीज़ देख पाएंगे कि किस तरह से सिद्धार्थ जो है वो एक डायरेक्टेड चेंज अपने में ला रहा है। नेचुरल चेंजेस तो उसमें चल ही रही हैं, जो पैदा होने से आपके जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलती हैं, लेकिन उसमें एक डायरेक्टेड चेंज जो कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस के लेवल पे आती हैं वो क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो क्या है, क्या सीखते हैं आप इंटेलेक्चुअल क्रिटिक से, आप क्या बनते हैं, एक सेंसिबल क्रिटिक बनते हैं। जब इस तरह के उपन्यासों को पढ़ते हैं और इस संस्कृत शास्त्रीय मॉडल को जब आप देखेंगे समझेंगे तो आप एक इंटेलेक्चुअल क्रिटिक से आप सेंसिबल क्रिटिक बन पाने की आपकी संभावनाएं बढ़ती हैं। क्यों? तो जैसा कि सिद्धार्थ में कहा है कि विजडम कैन नॉट बी इम्पार्टेड, सिद्धार्थ स्वयं ही ये कह रहे हैं हरमन हेस कि विजडम कैन नॉट बी इम्पार्टेड, विजडम दैट ए वाइज मैन अटेम्प्ट्स टू इम्पार्ट ऑलवेज साउंड्स लाइक ए फुलिशनेस टू समवन एल्स। नॉलेज कैन बी कम्युनिकेटेड बट नॉट विजडम, वन कैन फाइंड इट, लिव इट, डू वंडर्स थ्रू इट, बट वन कैन नॉट कम्युनिकेट एंड टीच इट। सो दिस इज द प्रयोजन, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस मॉडल, संस्कृत शास्त्री मॉडल। अब इस बात को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो इसमें टर्मिनोलॉजी हम यूज करने जा रहे हैं,
वो टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है जिसमें पुरुषार्थ भी है, कर्म भी है, ब्राह्मण शूद्र स्त्री एषणाएँ पुत्र वित्र दर्शन आवरण जाति, इस तरह की बहुत सारी शब्दावली है। और निकट भविष्य में जब हम ये मॉडल को फर्दर इसको एक्सपैंड करेंगे और इसके जो है वो एप्लीकेशन देखने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली एक तरफ वो जो संस्कृत विरोधी स्पीकर राइटर्स हैं जिनमें शोभा डे, अरुंधति रॉय, नीता देसाई और खुशवंत सिंह, नीरज चौधरी, कमला दास, झुंपा लहरी आदि आदि, ये जो जितने भी लोग हैं इनको भी हम एवेल्युएट करेंगे। और दूसरी तरफ जो अरुण जोशी, राजा राव, अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, नारायणन, रस्किन बॉन्ड, नायपाल, वी एस नायपाल और अनंत मूर्ति, ये सारे लोग, इनके भी नॉवेल्स को हम दूसरी तरफ एवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने बहुत शुरू में ही कहा था कि दो तरह के इंग्लिश राइटर्स हैं, एक जो संस्कृत के अगेंस्ट, संस्कृत में को हमेशा कंडेम करने की, ह्यूमिलेट करने की, उसमें नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ जो संस्कृत के बारे में एक सेंसिबल बात भी करते हैं, जो उसकी परसेप्शन से, उसकी अंडरस्टैंडिंग को जानते पहचानते और समझते हैं। चलिए, अब जब हम किसी की स्थापना करते हैं, किसी मॉडल को हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं, तो उसको एस्टेब्लिश करने से जो पहले जो हमारी कुछ एक बातें होती हैं उनको भी हम समझ लें कि पूर्व स्थापनाएं क्या होती हैं, कि हम किस तरह से किसी भी मॉडल को एस्टेब्लिश करते हैं, किसी भी परिभाषा को। तो सबसे पहली बात उसमें होती है कि हमें ये देखना होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको संस्कृत की जो नॉलेज ट्रेडिशन है उससे भी आपका परिचय हो जाए, और उसमें किस तरह से चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है, किस तरह से विषयों को प्रस्तुत किया जाता है, चीज़ें शब्द तो गलत है लेकिन विषय को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, ये उससे भी परिचय कराने का है। क्योंकि अगली बार जब हम एक आगे के कुछ नॉवेल्स को लेंगे, इंग्लिश नॉवेल्स को या और राइटिंग्स जो भी होंगी, तो उसमें ये बहुत सारी जो स्लाइड्स हैं वो हम माइनस कर देंगे, फिर इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उस चीज़ से आपका परिचय हो चुका होगा। लेकिन क्योंकि ये पहला ऐसा लेक्चर है, पहला ऐसा व्याख्यान है, तो इसलिए वो टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा। तो सबसे पहले जिस चीज़ को भी, जिस वस्तु को, जिस विषय को आप जानना चाह रहे हैं, उसकी एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व होना बहुत ज़रूरी है, ये पहले पता होना चाहिए। फिर उसकी नेमेबिलिटी, उसका अभिधेय होना चाहिए। फिर उसकी नोएबिलिटी की वो ज्ञान के योग्य भी है कि नहीं है, कि मान लीजिए कि वे गधे के सिर सींग, अगर हम इस तरह का नेमेबिलिटी तो बता दें, और गधे का अस्तित्व भी होता है और सींग का अस्तित्व भी होता है, लेकिन नोएबिलिटी उसकी नहीं हो सकती क्योंकि वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती, तो वो विषय जो है वो अनुपयुक्त कहलाएगा। अब जब आपने विषय को देख लिया तो फिर आपको क्या करना होता है, फिर आपको उसका नाम लेना होता है, उसकी डेफिनेशंस, उसके लक्षण देने होते हैं, और फिर उसका एग्जामिनेशन, परीक्षा करनी होती है। अब ऐसे विषय को सबसे पहले आप क्या करते हैं, विषय को, विषय का भेद करते हैं, विषय को, विषय की परिभाषा करने से पहले उसे क्या करते हैं, उसको सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से अलग अलग करते हैं। आप विषय के बारे में ये बताते हैं कि वो अपने जैसे समान लोगों से, समान विषयों से अलग है। जैसे हम मनुष्य हैं, लेकिन हम में से हर मनुष्य क्या है, अपने सजातीय बाकी सब लोगों से अलग हैं। हम सभी 7.5 बिलियन लोग हैं, मनुष्य हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उसमें से अफ्रीकन जो हैं वो मनुष्य होते हुए भी सजातीय लोगों से अलग हैं, वो अंग्रेजों से अलग हैं, और वो अंग्रेज भारतीयों से अलग हैं, भारतीय चाइनीज से अलग हैं, तो ये सजातीय हो गया। विजातीय का मतलब होता है कि आप पशु पक्षियों, जो दूसरी जाति के लोग हैं, दूसरी जो उत्पन्न हुए लोग हैं, उनसे अलग हैं। यहाँ कास्ट के अर्थ में जाति नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, वो एक अलग विषय है कि जहाँ पे जाति को हमने कास्ट समझ लिया है, लेकिन यहाँ पे वो अर्थ नहीं है। तो विजाति क्या है कि आप पशु पक्षियों से अलग हैं,
सारे मनुष्य पशु पक्षियों से अलग हैं। तीसरा क्या है कि मनुष्य स्वयं में क्या है, स्वगत भेद, कि मनुष्य को आप कैसे परिभाषित करेंगे, कि क्या मनुष्य जो है जिसके दो हाथ दो पैर होते हैं वो मनुष्य होता है, जिसकी दो आंखें हैं उसको आप मनुष्य मानेंगे, या इस तरह के जो भी आप लक्षण करना चाहें तो उस तरह से आप उसको स्वगत भेद से परिभाषित करते हैं। केवल इतना ही नहीं, फिर जिस मॉडल को ये जो आप सेंटर में देख पा रहे हैं, जिस मॉडल को हम बात करने जा रहे हैं उसको लेकर के वो मॉडल अपनी विषय पर पूरी तरह से सेट होता है कि नहीं होता, उसको देखने के लिए समझने के लिए हमें फिर तीन चीजें और हमारे ध्यान में रहनी चाहिए, तीन बातें ध्यान में रहनी चाहिए कि वो मॉडल या वो डेफिनेशन जो है वो ओवरलैप ना करे, जितना विषय है उस विषय के अनुकूल उसके ऊपर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कोई ड्रेस पहनते हैं तो वो अति व्याप्त नहीं होती, वो आपको लूज नहीं रहती, ड्रेस के लिए तो आप लूज हैं लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन के लिए आप या मॉडल के लिए यूज करेंगे वो क्या है, ओवरलैप ना करे, और वो सेकेंडली वो इनसफिशियंट भी ना रहे, अव्याप्त भी ना रहे, कि उसके ऊपर पूरी की पूरी भी ना आए, ऐसा भी ना हो कि जैसे कपड़े छोटे रह जाते हैं और आप पर फिट नहीं आते। और तीसरा है असंभव, कि ऐसा ना हो कि आप जो ऐसी परिभाषा दे दें, ऐसा मॉडल दे दें जो विषय के ऊपर पूरा फिट ही ना आए, वो संबंध ही ना हो, कि विषय कुछ और है और हम मॉडल कुछ और दें। चलिए अब आ जाएं सीधे मॉडल की शुरुआत, क्योंकि हमने अब नींव स्थापित कर ली है, तो अब इस मॉडल की शुरुआत जो पहली उसके ऊपर हम ईंटें लगाएंगे, तो वो पहली ईंटें कौन सी हैं? तो सबसे पहले ये जानना होगा संस्कृत शास्त्र की दृष्टि से कि किसी भी लिटरेरी वर्क की जो है वो सिक्स स्टेजेस होती हैं, एक उसमें से जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति। यानी कि हर जो लिटरेरी वर्क होता है वो कहीं ना कहीं जायते, वो बीइंग बॉर्न होता है, संकल्प के रूप में, आइडिया के फॉर्म में कहीं पर होता है, फिर वो एग्जिस्ट करता है जब वो राइटिंग के फॉर्म में आने लगता है, फिर उसमें चेंजेस आपको दिखाई देती हैं, फिर वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, फैलता है। ये इंग्लिश ट्रांसलेशंस एग्जैक्ट तो नहीं होंगे इन टर्म्स के, आप उसके लिए बेहतर टर्म्स जो हैं वो बेहतर टर्म्स आप हमें बता सकते हैं, तो उनको हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। फिर वो धीरे धीरे हर स्टोरी जो है नॉवल डिक्रीजिंग मोड में जाती है और लास्ट में आकर के इट पेरिशेस। तो जितनी भी आपके लिटरेरी वर्क्स होते हैं वो इन छह स्टेजेस से निकलते हैं, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति, इट पेरिशेस आल्सो। अब जब इतना भी ये लिटरेरी वर्क होता है उसके दो पक्ष होते हैं, कोई भी ऑथर जो होता है उसके वो किसी भी लिटरेरी वर्क के दो पक्षों को लेकर के चलता है, एक पक्ष होता है जो आप वाई एक्सिस पे देख रहे हैं जिसे कहते हैं अन्विता विधान, ये टेक्निकल टर्म है, संस्कृत के लोग इसे किसी और अर्थ में देखते हैं लेकिन आपके सरलता के लिए सिस्टमेटिक कोडिंग जिसे कहते हैं वो अन्वित है, और अभिधान का मतलब है यू कम्युनिकेट, कि आपके मन में कुछ करेक्टर्स आए, कुछ आपकी घटनाएं आपके माइंड में आई, उनको सिस्टमेटिकली आपने भाषा में कोड कर दिया और कोड करके आपने उसको कम्युनिकेट अभिधान कर दिया, कथन कर दिया। तो बिल्कुल ये यही वाला प्रोसेस है जो आप इस चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं, ग्राफिक में देख रहे हैं। तो अन्विता विधान, ये सबसे पहली बात समझ में आनी चाहिए कि हर ऑथर जो है वो अपने आप में जो फैक्ट्स हैं, जो उसकी कल्पना है, उनको सिस्टमेटिकली कोड करता है और कोड करके फिर उसको कम्युनिकेट करता है। फिर आप एक्स एक्सिस पे देखिए नीचे अभितान्वय, अभितान्वय का मतलब क्या है कि सिस्टमेटिक डिकोडिंग, यानी कि ये श्रोता की ओर से होता है, वो क्या है, वो वक्ता या ऑथर की ओर से है, और ये वाला जो है वो श्रोता की ओर से है, कि जो लिसनर है, जो रीडर है, वो सिस्टमेटिक डिकोडिंग करता है और डिकोडिंग करके फिर उसको कम्युनिकेट करता है, उसको
जो उसको मैसेज आया है उस मैसेज को वो जो उसने अपनी ट्रेनिंग ली होती है उससे उसको डिकोड करता है, डिकोड करके फिर उसको क्या करता है कम्युनिकेट करता है, फिर वो उसके बारे में अपनी ओपिनियन वगैरह एक्सप्रेस करता है। तो एक तरह से जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, मीन्स ऑफ कोडिंग द इंफॉर्मेशन, और फिर इंफॉर्मेशन कोडिंग का मतलब क्या है, हाउ मच वेयर एंड हाउ। या जैसे सिद्धार्थ नॉवल है या वो जो शॉर्ट स्टोरी हमने ली है वॉल्टेयर की उसके बारे में, और फिर उसके बाद है कि मैसेज इंटरप्रिटेशन के लिए आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं, कौन से टेक्निक्स यूज करते हैं और कौन से मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं, और ये किस लिए जरूरी हो जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, अन्विता विधान कोडिंग और अभितान्वयवाद डिकोडिंग, इनके बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, ये देखिए सिद्धार्थ नॉवल में वो कह रहा है, वर्ड्स डू नॉट एक्सप्रेस थॉट्स वेरी वेल, दे ऑलवेज बिकम अ लिटल डिफरेंट इमीडिएटली, दे आर एक्सप्रेस्ड अ लिटल डिस्टॉर्टेड, अ लिटल फुलिश, एंड येट इट ऑल्सो प्लीजेस मी एंड सीम्स राइट दैट वट इज ऑफ वैल्यू एंड विजडम टू वन मैन सीम्स नॉनसेंस टू अनदर। यहीं पर कम्युनिकेशन गैप है, यहीं पर क्रिटिक की जरूरत पड़ती है, यहीं पर हमें एक मॉडल की जरूरत पड़ती है कि जो ऑथर है और जो रीडर है उसके बीच में ये कोडिंग और डिकोडिंग का प्रोसेस जानने के लिए, समझने के लिए हमें एक मॉडल की जरूरत पड़ती है। और बेसिकली हम करते भी क्या हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर हम इंटरप्रेट करते हुए उसको असेस करने की कोशिश करते हैं कि ये लिटरेरी जो वर्क है ये कैसा है और इसका रूप क्या है। अब संस्कृत में सामान्य रूप से क्या होता है कि हम 6-7 बातों का ध्यान रखते हैं कि जब हम संस्कृत शास्त्रीय समालोचना करते हैं तो ये भी हमें ध्यान देना होगा कि ये मॉडल जो है वो क्या क्या व्याख्या करें। नंबर एक कि जो बीइंग एंड बिकमिंग आप कह लीजिए या सेंटर और जो सरकमफ्रेंस है उसके बीच का जो संबंध है कि जैसे मेरा होना और मेरी उपलब्धियां, ये परिधि है और ये केंद्र का मतलब है मेरा होना। तो मेरा होना अस्थि है और भवती का मतलब क्या है, मेरी जो उपलब्धियां हैं, जो मैं होने जा रहा हूँ उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, उनके बीच के जो टेंशन है उसको वो स्पष्टीकरण करने में सफल होना चाहिए। तो जब भी आप क्रिटिसिज्म करेंगे तो इस दृष्टि से भी आपको लिटरेरी वर्क को देखना है। सेकंड जो पार्ट है वो है कि जड़ चेतन प्रकृति आदि जो प्रदत्त हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको दी गई हैं, दो ही बातें हैं जो आपको दिया गया है और जो आपने उसके लिए प्रतीक बनाए हैं उन दी गई बातों को, जैसे सारी प्रकृति आपको दी गई है, आपको जल आकाश पृथ्वी वायु ये सब चीजें दी गई हैं, आपको समाज दिया गया है, माता पिता दिए गए हैं, अब उनके लिए जो आप प्रतीकों का प्रयोग करते हैं तो उस दिए गए जो प्रदत्त है और जो प्रतीक हैं उनके संबंधों के आप कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे समझते हैं, ये भी आपको क्रिटिसिज्म में इंक्लूड करना होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो विचार है उसकी जो इंडिस्पेंसिबिलिटी है और इन सफिशंसी, थॉट की जो इनसफिशिएंसी है बट एट द सेम टाइम इट इज इनडिस्पेंसिबल, तो उसको भी आपको देखना और समझना होगा कि विचार जो है वो कहाँ पर इनसफिशिएंट रह गया है। और ये बातें अभी देखेंगे हम आगे जो मॉडल्स को हम लाएंगे, मॉडल्स के जो सब पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद शब्दों भावों और परिस्थितियों के सामंजस्य के अभाव को भी, कि जो हम शब्द बोल रहे हैं, जो हमारे भाव हैं और जो हमारे आसपास परिस्थितियां बदल रही हैं उनमें कहीं पर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही, उनमें तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा, हमारे शब्द भावों के साथ नहीं बैठते, हमारे भाव परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होते, इसलिए पर प्रॉब्लम आ रही है। तो जो ज़्यादातर लिटरेरी वर्क हैं वो इसी जगह पर अटके हुए हैं, ये तीसरे और चौथे पर। फिर पांचवा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि दो बातें हैं, बुद्धिगत और भावनागत जो क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, व्यामोह की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको कैसे वो हैंडल करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल क्राइसिस जो पैदा हो रहे हैं
तो उसको वो कैसे डील करता है। और सिक्स्थ जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि भाषा का मिसयूज ओवरयूज जो है उसकी लिमिट को समझना, उसको समझना बहुत जरूरी है, उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और अंतिम जो बात है वो क्या है कि सब जगह ये जो टू बी समबॉडी कि कुछ बन के दिखाना है, इस तरह का जो लिटरेचर लिखा जाता है उससे टू बी नो बॉडी वाली जो लिटरेचर है उसके बीच में एक तालमेल, एक संवाद बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एक पागलपन की सीमा है कि हर वक्त हर किसी को हम ये कहें कि तुम कुछ करके दिखा दो, तुम कुछ बन के दिखा दो। और बनना बनाना क्या होता है कि तुमको कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर तुम्हारे पास एसी टीवी ये हो जाएंगे, और फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, यू डोंट नो, कि फिर और पैसा कमा लोगे, फिर और कमा लोगे। तो ये समबॉडी होना तो पागलपन हुआ, ये समबॉडी होना नहीं हुआ, यू बिकम ओनली अ बॉडी। सो वहां से टू बी नो बॉडी, जहां पर एक सेंस है लाइफ की, ह्यूमन लाइफ की, उसकी ओर कैसे चलना है, ये किसी भी लिटरेरी वर्क में कैसे लिया गया है, कैसे समझा गया है, इस बात को भी देखना है। तो कुल मिलाकर के आप अपने देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो इमोशनल क्राइसिस हैं, कार्मिक क्राइसिस हैं, इंटेलेक्चुअल क्राइसिस हैं, और जो शाब्दिक अतिचार यानी कि मिस यूज ऑफ लैंग्वेज, ओवर यूज ऑफ लैंग्वेज जो है, ये चार चीजों को हमें अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इंक्लूड करना होगा जब हम मॉडल्स की बात करेंगे। चलिए, जिसके बारे में इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे थे, तो सबसे पहले इसी को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो रूटीन में जो पारंपरिक शास्त्रीय मूल्यांकन है, ट्रेडिशनल संस्कृत शास्त्रीय इवेल्युएशन मेथड है क्रिटिसिज्म का, उसमें क्या है कि आप बीच में यहाँ रख लीजिए, उसको आसानी से समझने के लिए, जानने के लिए मैंने इस डिजाइन में आपको दिया है कि आपने जैसे कोई भी आप सिद्धार्थ रख लिया, संस्कार नॉवल रख लिया या कुछ भी रख लिया सेंटर में, और उसके चारों ओर में आपने क्या है, आपने लिटरेरी थ्योरीज, रस रख लिया, रीति रख ली, ध्वनि रख ली, वक्रोक्ति, औचित्य ये रख लिया। फिर आपने उसके आधार पे जो हीरो है, नेता या हीरोइन, उसमें अलंकारों को देख लिया, छंद देख लिए, टाइम स्पेस और भाषा के गुण दोष, और जो उसकी कथा वस्तु है, जो उसका मेन थीम है, प्लॉट है, वो आप उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। ये तो है ट्रेडिशनल संस्कृत शास्त्रीय जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी एवेल्युएशन है। तो ये आप लोगों को पता ही है, इसको तो हम यूज करते ही करते हैं। लेकिन अब जिस पक्ष की ओर हम चलना चाहते हैं वो क्या है कि नॉन ट्रेडिशनल रहे संस्कृत शास्त्रीय, लेकिन इट शुड बी नॉन ट्रेडिशनल बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर एन अप्लाइड मॉडल कि हम उसको यूज कैसे करें। तो कोई भी जब आप नॉवल या लिटरेरी वर्क को लेते हैं, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे कोटेशंस की ओर ध्यान नहीं दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं साथ साथ, लेकिन जो बातें समझने वाली हैं मैं उसकी ओर देखूंगा ताकि हम समय को भी ध्यान में रख सकें। तो होता क्या है, हर ऑथर जो है, आप नीचे की ओर देखें, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की ओर, तो वहां पर क्या होता है कि हर ऑथर और हर जो उसमें हीरो होता है, तो उसमें दो ही बातें महत्वपूर्ण होती हैं, एक कि उसने क्या सुना है। अब उसने जो सुना है वो किस पे निर्भर करता है, एवं मया श्रुतम, कि इस दृष्टि से, इस पक्ष से मैंने चीजों के बारे में सुना है। जैसे आपने ब्राह्मणों के बारे में बहुत कुछ सुना है, ठीक है, तो वो दिस इज हाउ आई हैव हर्ड अबाउट द ब्राह्मण्स और वट एवर, जो भी आपने दुनिया के बारे में, जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया। सेकेंडली, एक्स एक्सिस पे आप देखें, एवं मया दृष्टम, कि ये मेरे द्वारा देखा गया है, देखना, तो देखा और सुना, तो दिस इज हाउ आई हैव परसीव्ड, आई हैव सीन थिंग्स। अब इसके बीच में, इस हियरिंग के बीच में और इस सीइंग के बीच में आपका क्या होता है, आपका ये एवं मया ज्ञातम, दिस इज हाउ आई नो, कि
कि ऐसे मैंने जाना। तो सारे का सारा जोर क्या है आप देखें, वो क्या है, एवं के ऊपर है कि कैसे आपका दृष्टिकोण कितना बड़ा है, कितना व्यापक है। 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज है, ठीक है, 360 डिग्रीज तो पॉसिबल नहीं है इससे ज्यादा। तो इसलिए आपने किस दृष्टि से उस ऑथर ने देखा, या किस दृष्टि से लिटरेरी वर्क जो है उसमें हीरो जो है वो देख रहा है, तो ये सबसे पहली मूलभूत बात है। तो इसलिए इसको अपारंपरिक, नॉन ट्रेडिशनल, लेकिन है सारा संस्कृत शास्त्रीय ये है। तो इसी दृष्टि से आप देखें कि जो वोल्टेयर की स्टोरी है ए गुड ब्राह्मिन, उसमें अगर आप ये देखें तो वो क्या कह रहा है, आई हैव बीन बॉर्न है, आई एग्जिस्ट इन टाइम विदाउट नोइंग व्हाट टाइम इज, आई एम प्लेस्ड एज अवर वाइज मैन से इन द कन्फाइंस बिटवीन टू एटर्निटीज एंड येट आई हैव नो आइडिया ऑफ एटर्निटी। बाकी सब मैं लाइनें छोड़ रहा हूँ, लेकिन लास्ट की दो लाइनें मैं पढ़ देता हूँ। आई डू नॉट नो वाई आई एग्जिस्ट एंड येट आई एम अप्लाइड टू एवरी डे फॉर ए सोल्यूशन ऑफ द एनिग्मा, आई मस्ट रिटर्न एंड आंसर बट कैन से नथिंग सेटिस्फैक्ट्री ऑन द सब्जेक्ट। अब ये देखिए बात कितनी महत्वपूर्ण है कि दिस इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मिनहुड। आई विल यूज द टर्म ब्राह्मिनहुड, नॉट द ब्राह्मणिज्म, बिकॉज यू कैन नॉट डिफाइन ब्राह्मणिज्म। यू कैन डिफाइन ब्राह्मिन, यू कैन डिफाइन ब्राह्मिनहुड, बट देर इज नो ब्राह्मणिज्म। सो दिस इज हाउ आई नो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा स्पीड अप कर लेते हैं हम और चीजों को थोड़े समझते हैं। अब जब आपने देखने का एक पर्टिकुलर एंगल आया, वो एंगल कहाँ से बीच में सेटअप होता है, वो होता है आप वाई एक्सिस पे देखें, आपको ये शब्द मिलेंगे माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति। ये क्या है, ये है लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। माया का मतलब लिमिटेशन ऑफ क्रिएटिविटी, लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, लिमिटेशन ऑफ अटैचमेंट, लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड लिमिटेशन ऑफ नियति का मतलब है कि जो आपका एक तरह का भाग्य है, जो आपकी नेचर है। तो एक तरफ तो आप वाई एक्सेस पे इन चीज़ों को देखते हैं किसी भी मूल्यांकन करते हुए, किसी भी लिटरेरी वर्क को। सो सेकेंडली एक्स एक्सेस पे आप देखते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये जो डिस्टॉर्शंस बाय डिजायर्स, एंगर, ग्रीड, ऑब्सेशन, एरोगेंस और जेलसी वगैरह हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल, एक तरफ लिमिटेशंस और दूसरी तरफ डिस्टॉर्शंस। तो इनके बीच में जो ऑथर जो भी अपने व्यूज देता है, अपना जो स्ट्रक्चर लिटरेरी वर्क का प्रस्तुत करता है, उसको हमें देखना होगा। सो लाइक सिद्धार्थ सेज, आई हैव हैड टू एक्सपीरियंस सो मैनी स्टुपिडिटी, सो मैनी वाइसेस, सो मच एरर, सो मच नॉजिया, डिसइल्यूमेंट एंड सोरो, जस्ट इन ऑर्डर टू बिकम अ चाइल्ड अगेन एंड बिगिन अन्यू। आई हैड टू एक्सपीरियंस डिस्पेयर, आई हैड टू सिंक टू ग्रेटेस्ट मेंटल डेप्थ, टू थॉट्स ऑफ सुसाइड इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस ग्रेस। सो इन सब के बीच में जो सिद्धार्थ है वो अपने आप को मूल्यांकित करता है, परिभाषित करता है, और इसी दृष्टि से हमें उसमें जो बातों को मूल्यांकित करना होगा, देखना होगा। चौथा जो पार्ट है इसका, वो क्या है, जिसके मैंने शुरू में भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि एज ए डूअर और एज एन एंजॉयर एंड एज ए नोअर। तो एज ए डूअर आप देखिए कि व्हाट ही सेज, आई कैन थिंक, आई कैन वेट, आई कैन फास्ट। तो ये विद द चाइल्ड लाइक पीपल जो चैप्टर है सिद्धार्थ का, उसमें वो ये कहता है। तो एज ए डूअर ही कैन थिंक, ही कैन वेट, ही कैन फास्ट, बट एज एन एंजॉयर, अलास सिद्धार्थ, आई सी यू सफरिंग, बट यू आर सफरिंग ए पेन एट विच वन वुड लाइक टू लाफ, एट विच यू विल सून लाफ फॉर योर सेल्फ।
कि अपने आप को तुम पीड़ित कर रहे हो, और बहुत सारी कोटेशंस इसमें हम डाल सकते हैं इंजॉयर की फॉर्म में, जब वो कमला से मिलता है, कामा स्वामी से मिलता है, या और लोगों से उसकी बातचीत होती है। और फिर नोअर की फॉर्म में जब वो वासुदेव के साथ बातचीत करता है, तो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड एंड आई स्टिल बिलीव दैट वट एवर गुड और बैड फॉर्चून मे कम अवर वे, वी कैन ऑलवेज गिव इट मीनिंग एंड ट्रांसफॉर्म इट इंटू समथिंग ऑफ वैल्यू। तो कोई भी जो आप कैरेक्टर है, उसको इन तीन पर्सपेक्टिव से हमें जरूर देखना चाहिए। फिफ्थ जो पार्ट है इस मॉडल का, वो क्या है? फिर तीन हमें लेवल पे उसको देखना होगा। पहला लेवल सामान्य रूप से होता है आई एम दिस, अहम इदम जिसे हम कहते हैं, कि जहां पर आदमी अपने आप को आइडेंटिफाई करता है किसी वस्तु के साथ, किसी विषय के साथ। बट मोर देन ऑल, जैसे कि उसका मित्र, उसका दोस्त सिद्धार्थ का गोविंद जो है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है सिद्धार्थ के साथ। तो जैसे कि वो कहता है, ही लव्ड सिद्धार्थ आईज एंड स्वीट वॉइस, ही लव्ड हिज वॉक एंड परफेक्ट डिसेंसी ऑफ हिज मूवमेंट्स, ही लव्ड एवरीथिंग सिद्धार्थ डिड एंड सेड, व्हाट ही लव्ड मोस्ट वॉज हिज स्पिरिट, हिज ट्रांसेंडेंट फायरी थॉट्स, हिज आर्डेंट विल, हिज हाई कॉलिंग। अब चाहे ये किसी भी गुण की वजह से हो, लेकिन आइडेंटिफिकेशन जैसे ही हुई तो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पर ये पहली स्टेज है आइडेंटिफिकेशन का, ये एक एस्पेक्ट है आइडेंटिफिकेशन का, कि वेयर आई आइडेंटिफाई विथ समथिंग, किसी अन्य विषय के साथ जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन सेकंड लेवल पे, जहां पर आप विषय को अपने साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इदम अहम उसे कहते हैं, दिस इज आई, कि पहला क्या था अहम इदम, कि आप अपने को किसी विषय के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, अब क्या है सेकंड लेवल पे, आप दूसरे विषय को अपने साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो विदर विल माई पाथ येट लीड मी, दिस पाथ इज स्टूपिड, इट गोज इन स्पायरल्स, परहैप्स इन सर्कल्स, बट विच एवर वे इट गोज आई विल फॉलो इट। ये आइडेंटिफिकेशन है पाथ के साथ। तो विषय जो है वो पाथ है, उसके साथ अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो भी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। लेकिन सॉल्यूशन कहाँ रहता है, जहाँ पर हम कहेंगे कि दिस इज ओके, वो क्या है? इदम इदम अहम अहम, दिस इज दिस, आई एम आई। तो जब तक इस लेवल पे हम नहीं आते किसी भी लिटरेरी वर्क में, तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम देता ही देता है। कोटेशंस में मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन एक आइडिया आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा देने की कोशिश करूंगा। ये एक बड़ा पॉपुलर शब्दावली है जिससे आप सभी परिचित ही हैं। एक तरफ वाई एक्सिस पे आप पुरुषार्थ देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हैं, ऐषणात्रय। तो पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार चीजें हैं जो आप सिद्धार्थ को मूल्यांकित करते हुए देखनी चाहिए, एवेल्युएट करनी चाहिए, ये हमने यहाँ पे दे रखी हैं सारी की सारी। और दूसरी तरफ आपकी ऐषणात्रय में है लोकेष्णा, कि आप चाहते हैं कि दुनिया आपको एक्नॉलेज करें। लोकेष्णा का मतलब है योर डिजायर, योर विश फॉर मनी, और पुत्रेष्णा का मतलब है कि योर सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू फॉर प्रोजनी। तो संतान के साथ जो आपके संतान के प्रति जो इच्छा है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं अभी इन सारी रीडिंग्स को करने नहीं जा रहा हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। आई कैन शेयर दिस पीपीटी विद यू। तो लेकिन दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस होल मॉडल। तो पुरुषार्थ और ईर्ष्णात्रय के आधार पर हम संस्कृतज्ञों को अंग्रेजी के नावलों को, अंग्रेजी के नॉवेल्स को हमें देखना चाहिए और लिटरेरी वर्क्स को एवेल्युएट करना चाहिए। सेवंथ पार्ट जो इस नॉन ट्रेडिशनल संस्कृत शास्त्रीय मॉडल है, सेवंथ पार्ट, उसमें क्या है? योग और क्षेम, बड़े पॉपुलर से शब्दावलियां हैं संस्कृत के लोगों के लिए, लेकिन जिन लोगों का परिचय नहीं है संस्कृत के प्रति, जिनका कोई रिजर्वेशंस होती हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। योग का मतलब होता है जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना, अप्राप्त से प्रापणम। तो योग का जो आप अर्थ समझते हैं वो कुछ और है, लेकिन योग का जो मूल अर्थ है अप्राप्त से प्रापणम,
कि जो प्राप्त नहीं है, और सारे के सारे सिद्धार्थ नॉवल में, और वो जो ए गुड ब्राह्मिन जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें वो योग ही कर रहा है, तो पूरे का पूरे योग का फॉर्मेट दिखाई देता है कि जो प्राप्त नहीं है, सेल्फ नॉलेज जो उसे प्राप्त नहीं है, उसके लिए वो सारे के सारे प्रोसेस से गुजर रहा है, और लास्ट में इसीलिए वो जा करके नदी के पास बैठता है, वासुदेव के पास। और दूसरी तरफ जो है वो क्षेम है। क्षेम का मतलब क्या है? प्राप्त से रक्षण, जो आपने प्राप्त किया है, जो आपने पा लिया है, उसकी रक्षा करना। उसको रक्षा करने का मतलब क्या है कि अब जैसे कि वो लास्ट में आकर के नदी के पास बैठ जाता है, और उसके साथ उसका एक कम्युनिकेशन है, और अपना जो सेल्फ नॉलेज है वो उसके पास सुरक्षित रहता है, जब वो अपने पुत्र को भी छोड़ देता है वासुदेव के समझाने के पर। उसके बाद आठवां पार्ट जो है इस नॉन ट्रेडिशनल संस्कृत शास्त्रीय मूल्यांकन का, वो क्या है? वृत्ति। वृत्ति का मतलब होता है मोड। अब वो मोड ऑफ माइंड की ही हम जहाँ यहाँ बात कर रहे हैं, तो लेकिन उसको आप मोटे तौर पर ट्रांसलेट कर सकते हैं वृत्ति की निवृत्ति और वृत्ति की प्रवृत्ति। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आप ये देख सकते हैं कि वृत्ति की निवृत्ति क्या है, रिटायरमेंट ऑफ मोड ऑफ माइंड, कि आपका मन जो है कभी किस चीज से निवृत्त हो जाता है, उसमें डिसइंटरेस्टेड हो जाता है। बल्कि मुझे लगता है कि शायद डिसइंटरेस्टेडनेस जो है वो निवृत्ति के लिए ज्यादा, रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट के लिए से ज्यादा बेहतर शब्द डिसइंटरेस्टेडनेस हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो थोड़ा अभी उसके लिए आप लोग सुझाव दे सकते हैं। तो और ये एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं वृत्ति की प्रवृत्ति का मतलब है टेंडेंसी ऑफ मोड ऑफ माइंड, कि जो उसकी किसी विशेष बातों में जो रुचि होती है, प्रवृत्ति का मतलब है किसी विशेष विषय में जब आपकी रुचि होती है तो वो प्रवृत्ति हो जाती है, आप उधर की ओर चल पाते हैं। तो अभी जो सिद्धार्थ की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, वो क्या है? सिद्धार्थ स्टॉप फाइटिंग, इसीलिए वो जो है वो कह रहा है वासुदेव, स्टॉप फाइटिंग हिज फेट दिस वेरी आर एंड ही स्टॉप सफरिंग। तो जैसे ही उसने अपना फाइटिंग की टेंडेंसी को रोका, और उसकी निवृत्ति हो गई, दुखों की निवृत्ति हो गई, तो सफरिंग जो है वो समाप्त हो गया। अगला जो नाइन्थ पार्ट है इसका, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, संस्कृत के लोग उसको जानते हैं, लेकिन एप्लीकेशन उसकी देखने वाली बात है। आवरण और विक्षेप। एक्स एक्सिस के ऊपर आप क्या देख रहे हैं, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर आवरण, जिसे कहते हैं पावर ऑफ कंसीलमेंट। हर ऑथर जो है वो किसी न किसी पात्र के माध्यम से, और फिर उस पात्र के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर जो है वो किसी तरह की कंडीशंस लगा देता है, और उसकी जो रियल नेचर होता है उसको कंसील कर लेता है। तो इसके बिना, इस कंसीलमेंट के बिना तो कोई नॉवल, कोई क्रिएटिव वर्क नहीं हो सकता। और सेकेंडली पावर ऑफ प्रोजेक्शन, जिसे विक्षेप कहते हैं, कंसीलमेंट और उसमें जो प्रोजेक्शन का फैक्टर है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि आप ये देख भी रहे हैं कोटेशन यहाँ पे, कि आई कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ फिनोमिना एंड एल्यूजन, आई कॉल्ड माई आईज एंड माई टंग एंड माई एक्सीडेंट एक्सीडेंट वैल्यूलेस फिनोमिना, नो दैट इज ऑल ओवर, आई हैव अवेकेंड, आई हैव रियली अवेकेंड एंड हैव जस्ट बीन बॉर्न टूडे। अब ये क्यों वो कह रहा है? क्योंकि वो दो कंडीशन से निकला है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में, ये जो ज्वाइनिंग दो जो आप ग्राफ देख रहे हैं, एक है सोपाधिक भ्रम यानी कि कंडीशनल एल्यूजन, और नॉन कंडीशनल एल्यूजन। सोपाधिक भ्रम या कंडीशनल एल्यूजन कहते हैं कि जैसे आप चश्मा पहन के किसी चीज को देखते हैं तो आपको वो उसी रंग की दिखाई देने लगती है, कि जब आप लाइट को देखते हैं तो लाइट, आपने काला चश्मा पहन के देखी है तो वो आपको नीले से रंग की दिखाई देती है, धुंधला सा दिखाई देता है। लेकिन निरुपाधिक भ्रम में, जैसे कि आप आकाश को देखते हैं सीधी आंखों से तो वो आपको नीला दिखाई देता है, तो ये निरुपाधिक भ्रम है। तो सिद्धार्थ भी इन्हीं सब प्रोसेस से निकल के जा रहा है, कभी वो कमला के साथ किसी भ्रम में है, कभी वो दूसरे लोगों के साथ भ्रम की स्थिति में आता है, और आखिर में जा करके वो उसका भ्रम का निराकरण वासुदेव करता है। तो ये
चार पॉइंट्स जो हैं कि पावर ऑफ कंसीलमेंट एंड पावर ऑफ प्रोजेक्शन इंक्लूडिंग कंडीशनल इल्यूजन एंड नॉन कंडीशनल इल्यूजन, इसके आधार पर हमें किसी भी क्रिएटिव वर्क को, लिटरेरी वर्क को देखना चाहिए और उसके करेक्टर्स को वैल्यूएट करना चाहिए। अब तीन शब्द और बड़े इंटरेस्टिंग हैं, इनको भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। एक है आभासिकता, किसी भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। वो क्या है, अपीयरेंस क्या है और डिफरेंशिया क्या है, आभासिकता और अवच्छेदकता। आभासिकता क्या है कि हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारे साथ इस तरह की हैं कि आप अपने आभास में देखते हैं कि किस तरह से लोगों का प्रेम, लोगों की घृणा, वो सारा का सारा एक आभास होता है, लगता है कि आभासिकता क्या है, एक तरह का लगना, प्रतीत होना कि शायद ये ऐसा है, जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं कि आपने जैसे अंधेरे में आपको लगा कि सांप है लेकिन होती वो रस्सी है, तो ये एक तरह की आभासिकता है। तो इसी तरह से हम लोगों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, और सिद्धार्थ भी इसी तरह से बीच बीच में आइडेंटिफाई होता रहा है, कभी कमला के साथ, कभी कामास्वामी के साथ, और कभी जो है वो दूसरे लोगों के साथ, और फिर धीरे धीरे उनसे मुक्त होता है। अवच्छेदकता डिफरेंशिया क्या है कि आप अपनी जब लिमिटेशंस को जान लेते हैं और फिर अपने आप को समेट लेते हैं, तो जैसे कि वहाँ पर अपने बेटे के साथ वो अपनी अवच्छेदकता में आ जाता है, जो उसकी टोटेलिटी थी, जो उसकी कंप्लीटनेस थी, उसको उसने क्या कर लिया, लिमिटेड कर लिया। और फिर तीसरा जो पार्ट है जिसके आधार पर हमें करेक्टर्स को देखना चाहिए, वो है प्रतिबिंबिता, रिफ्लेक्शन, कि जैसे बेटे में हर पिता जो है, हर माता पिता अपने पुत्र में, अपनी संतान में अपने आप को रिफ्लेक्ट हुआ देखते हैं, उसी में वो सारी की सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और वहीं पर प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। और लास्ट में जब आप नॉवल के लास्ट में लगभग पहुंचते हैं, जहां वो अपने बेटे के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर चुका है, वहां पर वो रिफ्लेक्ट करता है और वासुदेव उसे समझाता है कि किस तरह से वो इस रिफ्लेक्शन से फ्री हो। चलिए एक और इंटरेस्टिंग चीज, 11th पार्ट इस टोटल मॉडल का देखें, 11वीं ईंट इसे आप कह लीजिए, वो क्या है कि एक है कार्मल। अंग्रेजी के लोगों के लिए ये सारी शब्दावली बड़ी अजीब होगी, लेकिन संस्कृत के लोगों के लिए ये आसान होगी, इजी होगी, लेकिन उन लोगों ने कभी इन चीजों के लिए कभी यूज नहीं किया। वो क्या है कि कार्मल क्या है कि व्हेन अ पर्सन और कैरेक्टर इज कनेक्टेड विद द कर्म, कि आप पूरी तरह से कर्म के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर आप उसी में उलझे रह जाते हैं, कि जैसे बिजनेसमैन जो है वो फुली इन्वॉल्व इन हिज बिजनेस ओनली, और फिर उसके अलावा वो कुछ और नहीं कर पा रहा और उसके बहुत सारे परिणाम उसको भुगतने पड़ते हैं। इसी तरह से जो एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं, माइक मिल क्रिएट्स डिफरेंशिएशन इन वंस ओन कॉन्शियसनेस, कि भिन्न वेद्य पदार्थ कि आप दूसरी चीजों के साथ जब आप डिफरेंशिएशन करने लगते हैं, उससे अलग, उससे ये करना चाहिए, और कहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया, कहीं पे आइडेंटिफिकेशन को छोड़ दिया, तो ये सारे जो हैं ये माइक मल कहलाते हैं। और आणव मल है कि ए नॉन फुलनेस, कि नॉन कंप्लीटनेस, कि मैं अपूर्ण हूँ, मेरे में पूर्णता नहीं है, मुझे आई नीड समथिंग मोर। तो ये जो मोर की सेंस है, ये चीज इसमें इंक्लूड होती है, ये बात हमें देखनी चाहिए। और इन तीनों के आधार पर, इन तीन टर्म्स के कॉन्सेप्ट के आधार पर भी हमें मूल्यांकन करना चाहिए। ये तीन बातों को भी हम ध्यान रखेंगे। मैं व्याख्या में अभी और ज्यादा नहीं जा रहा, क्योंकि थोड़ा सा अभी और वक्त इसमें लग जाएगा, 5-10 मिनट और मैं लूंगा आप लोगों के। ये 12th जो जो इसमें पार्ट है इस मॉडल का, उस पार्ट का मॉडल जो है वो देखें आप, वो क्या है, आर्थिक भावना और शाब्दी भावना। एक्स एक्सिस पे आप क्या देखते हैं, बिलीफ इन मीनिंग, कि आप
मीनिंग के अकॉर्डिंगली अपने सारी एफर्ट्स को बना देते हैं, उसी तरह से जीना चाहते हैं, ठीक है। और सेकेंडली एक्स एक्सिस पे शाब्दी भावना का मतलब है कि योर बिलीफ इन द वर्ल्ड, कि आप किस तरह से इन बातों को उसके अकॉर्डिंगली अपना सारा का सारा व्यवहार, उसके अकॉर्डिंगली सारे का सारा व्यवहार कर देना चाहते हैं। जैसे कि वो यहाँ पे स्वयं कह रहा है, इट हैज नॉट कम टू यू बाय मीन्स ऑफ टीचिंग एंड दस इज माई थॉट ओ एक्साल्टेड वन, नो बॉडी विल ऑब्टेन साल्वेशन बाय मीन्स ऑफ टीचिंग्स। अगर आप ये सोचते हैं कि आप शाब्दी भावना का कि भाई शब्द का निरंतर उसी के अकॉर्डिंगली उसी को फॉलो अप करते हुए आप कुछ हासिल कर लेंगे, तो वो नहीं हो सकता। और आर्थिक भावना का मतलब है कि अगर आप उस अर्थ को ही, उसी में आपका बिलीफ है, उसी में आपका विश्वास है और किसी में नहीं, तो भी आप कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर लेंगे और आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो माइंड सेट है, उसमें प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। और वही, हालांकि वही सारी चीजें कहानी को आगे बढ़ाती हैं, किसी भी लिटरेरी वर्क को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन इस चीज को अगर आप ये वेस्टर्न, पर्टिकुलर वेस्टर्न ऑथर्स के पर्सनल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में गए, मेंटल इलनेस में गए। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि इतने अच्छे लिटरेरी वर्क्स क्रिएट करने के बावजूद वो लोग डिप्रेशन में और मेंटल इलनेस को फेस उन्होंने उनको करना पड़ा। उसके कारण यही है, यहीं से ये चीजें जो हैं वो उभर करके आती हैं। इसी वजह से ये दोनों शब्द, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, आर्थिक भावना और शाब्दिक भावना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हर्मन कार्ल हेस जो है वो खुद मेंटल सिकनेस के बहुत बड़े दौर से गुजरा है, लेकिन ये कमाल की बात है कि उसके बावजूद उसका ये एक सुपर जो क्रिएटिव वर्क है वो बहुत अप्रिशिएबल है, बहुत फैसिनेटिंग है। चलिए, ये एक और चीज है, एक और विषय है कि 13th पार्ट है ये, इसका 13th पार्ट है कि 13th पार्ट इसमें ये है कि द्रव्य, जब भी आपने किसी एक उसको देखना हो, क्रिएटिव वर्क को, वो क्या है, द्रव्य जहाँ पे कैरेक्टर आ जाता है, या आप उसको उसकी जगह पे क्रिएटिव वर्क को रख लीजिए, उसके गुण क्वालिटीज, उसके एक्शंस, उसकी कॉमनैलिटी, उसकी जो पर्टिकुलैरिटी है, उसका रिलेशनशिप और उसकी जो नॉन एग्जिस्टेंस, लाइफ की जो नॉन एग्जिस्टेंस की डिफरेंट फॉर्म्स रही हैं, वो सारी की सारी उसको प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर जब आप इन 7 दृष्टियों से सिद्धार्थ या गुड ब्राह्मण को देखने लगेंगे, तो आपको बहुत सुंदर और बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस आपके ध्यान में आएंगे कि वहाँ पर कैरेक्टर कैसा है, उसकी क्वालिटीज क्या हैं, उसके एक्शंस क्या हैं, उसकी कॉमनैलिटीज क्या हैं, उसकी पर्टिकुलैरिटीज क्या हैं, उसके रिलेशनशिप जो डिपेंडेंस के रिलेशनशिप हैं वो क्या हैं, और नॉन एग्जिस्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो सारे का सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 13th उसका जो है वो पक्ष है। 14th एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जहाँ पे एम्पावरमेंट की बात आती है, जिसे व्याकरण में, संस्कृत के व्याकरण में पढ़ाया जाता है सुबंध के आधार पर, कि शब्द वहां पर आता है पद की, पद का मतलब है कि ऐसा शब्द जिसे, जो किसी सेंटेंस में या वाक्य में प्रयोग होने की योग्यता रखता है। तो सुबंत और तिगंत ये दो चीजें हैं कि वर्ब बेस्ड एम्पावरमेंट और सुबंत बेस्ड एम्पावरमेंट, कि उसमें जो जब कारक लगते हैं, जब उसको योग्यता आ जाती है वाक्य में, तो वो सुबंत और तिगंत है। सेम केस जो है वो अप्लाई होता है हर कैरेक्टर के ऊपर, कि जब तक उसमें नाम के हिसाब से और एक्शन के, वर्ब के हिसाब से एम्पावरमेंट नहीं आती, तब तक वो कैरेक्टर पूरी तरह से डेवलप नहीं होता।
करेक्टर्स की प्लॉट की डेवलपमेंट में सुबंत और तिगंत इनके एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन जब मैं धीरे धीरे इन चीज़ों को थोड़ा सा और देखूंगा, अंग्रेजी में इसके ट्रांसलेट कर लूंगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को बता पाऊंगा। लेकिन ये है कि सुबंत और तिगंत ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, ये इसको एवेल्युएट करते हैं, एम्पावर करते हैं किसी भी लिटरेरी वर्क के करेक्टर्स को और उसके प्लॉट को। और डेफिनेटली ये जो एम्पावरमेंट होती है उसके कई सारे जो हैं वो रूल्स होते हैं, उसके ऑपरेशंस क्या हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, उसकी मैटर रूल्स क्या हैं, हेडिंग्स क्या हैं उसमें। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे हेडिंग्स के अंतर्गत जो है वो सिद्धार्थ नॉवल लिखा गया है, एक्सटेंशंस क्या हैं, उसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, और उसमें निगेट किन किन चीज़ों को किया गया है। तो ये सारी के सारे जो विषय हैं इनको हर लिटरेरी वर्क के ऊपर हमें लागू करना चाहिए, उसको एवेल्युएट करना चाहिए इन बातों के आधार पर। एंड दोबारा जब हम मिलेंगे और आप लोगों के फीडबैक के बाद इसको फिर दोबारा से हम इसको देखेंगे और इन चीज़ों की, इन विषयों की ज़्यादा अच्छी व्याख्या कर पाएंगे। अभी तो केवल एक इंट्रोडक्शन है, एक मॉडल को दिखाने की बात है कि किस तरह से इस मॉडल को हम किसी नॉवल पर, किसी स्टोरी पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये 15th जो पार्ट है इस मॉडल का, वो क्या है कि एक तरफ तो आप धर्म अर्थ काम मोक्ष इसको लेते हैं किसी भी उस वर्क में, लेकिन दूसरी तरफ आप प्राइमोर्डियल हंगर, प्राइमोर्डियल फियर, सेंस ऑफ इंक्वायरी और एस्थेटिक वैल्यूज, इससे भी आपको इवेल्युएट करना होता है। क्योंकि इसी के बीच में कोई भी लिटरेरी वर्क ऑथर जो है ऑपरेट करता है बीइंग टू बिकमिंग। ये आप देख पा रहे हैं बीइंग टू बिकमिंग के बीच में सारा का सारा सिद्धार्थ घूम रहा है। तो एक तरफ जब आप उसको नॉवल को पढ़ेंगे सिद्धार्थ को, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष अंत में जाकर के जब वो नदी के किनारे बैठता है और उसको सुनता है, समझता है नदी को और वासुदेव के माध्यम से, तो वो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस पक्ष में। क्योंकि काम कामास्वामी अर्थ को कामास्वामी से और कमला से वो काम को समझता है, धर्म को वो गौतम से और श्रमणों के साथ समझता है, और अंत में वासुदेव के माध्यम से वो मोक्ष को जानता है। और इंटरेस्टिंगली ये जो बुभुक्षा और भय, जिसे प्राइमोर्डियल हंगर और फियर कहते हैं, यहाँ पर जो है वो हमने देख लिया है, क्योंकि ही कैन थिंक, ही कैन वेट एंड ही कैन फास्ट, तो इनको जब वो ट्रांसेंड करता है देन ही हैज अ सेंस ऑफ इंक्वायरी विच कल्मिनेट्स इनटू एस्थेटिक वैल्यूज। और लास्ट में जब वो नदी के किनारे बैठा है तो वो उसकी एस्थेटिक वैल्यू है, एस्थेटिक लाइफ है, कि जहाँ पर वो राग द्वेष से सबसे मुक्त हो जाता है। सो कोटेशंस मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको ब्रीफ में ये बता दिया है नॉवल का। एक और आप लोगों के लिए बात है कि इसका जो 16th पार्ट है इस मॉडल का, वो क्या है, ये वोल्टेयर की स्टोरी से है। यहाँ पे मैंने कहा क्योंकि वोल्टेयर को रेफर किए बहुत देर हो गई थी, शुरू में तो किया था मैंने, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि किसी भी क्रिएटिव वर्क को आपको तीन दृष्टियों से देखना होता है। पहली दृष्टि होती है पार्थिव दृष्टि, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, पर्सपेक्टिव दृष्टि का तो कर लेंगे, लेकिन पार्थिव का कैसे करेंगे कि अर्थी अर्थली पर्सपेक्टिव अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो बड़ा बेमजा सा अनुवाद होगा। सो पार्थिव दृष्टि क्या है कि आर यू नॉट अशेम्ड टू बी दस मिजरेबल व्हेन नॉट 50 यार्ड्स फ्रॉम यू देयर इज एन ओल्ड ऑटोमेटन हु थिंक्स ऑफ नथिंग एंड लिव्स कंटेंटेड। यू आर राइट, ही रिप्लाइड, आई हैव सेड टू माई सेल्फ 1,000 टाइम्स दैट आई शुड बी हैप्पी इफ आई वर बट एज इग्नोरेंट एज माई ओल्ड नेबर, एंड येट इट इज हैप्पीनेस आई डू नॉट डिजायर। ये है अर्थी पर्सपेक्टिव, अर्थली पर्सपेक्टिव, कि पार्थिव दृष्टिकोण क्या है कि आप सिर्फ डिजायर नहीं कर रहे हैं,
आप सिर्फ हैप्पीनेस नहीं चाह रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग मोर मीनिंग ऑफ लाइफ, तो वहाँ पर आपके पास सारी सुख सुविधाएं होने के बाद जब आप कुछ अन्य की तलाश में होते हैं जीवन के गहरे अर्थों की, तो वहाँ से जब आप उठते हैं तो वो पार्थिव दृष्टि होती है। अब दूसरा तरफ जो शाश्वत दृष्टि है, उसका मतलब ये होता है कि आपने जितना कुछ जाना है, समझा है, देखा है, पढ़ा है, वो सारे के सारा आप में किस तरह से एसिमिलेट होता है। तो यहाँ पर आप शाश्वत दृष्टि को इस रूप में आप ले सकते हैं कि आप लोगों से जानते हैं, पूछते हैं, क्वेरीज करते हैं, और सारे के सारे जो हैं पीछे से चली आ रही विचारों की परंपरा, मूल्य, वो सारे के सारे आप में एसिमिलेट होते हैं। जैसे कि गुड ब्राह्मिन में वो कहता है, आई कंसल्टेड माई ओन हार्ट एंड फाउंड दैट आई मस्ट माई सेल्फ शुड नॉट विश टू बी हैप्पी ऑन कंडीशन ऑफ बींग इग्नोरेंट। आई सबमिटेड दिस मैटर टू सम फिलोसफर्स एंड देवर ऑल ऑफ माई ओपिनियन एंड येट सेड आई देर इज समथिंग वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी इन दिस मैनर ऑफ थिंकिंग, फॉर आफ्टर ऑल वट इज द क्वेश्चन, इज इट नॉट टू बी हैप्पी। सो ये विचार करने की प्रक्रिया शाश्वत दृष्टि का मतलब है। और लास्ट में ये जो चिन्मय दृष्टि है, वो उसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट जो आपकी एस्थेटिक पर्सपेक्टिव है, वो क्या है, डज हैप्पीनेस रिजल्ट फ्रॉम इग्नोरेंस और फ्रॉम नॉलेज। ये आपकी एस्थेटिक, आपकी चिन्मय दृष्टि है कि आप किन अंतिम शाश्वत नियम, चिन्मय को, आई डोंट नो हाउ विल यू ट्रांसलेट इट, चिन्मय दृष्टि, लेकिन ये वो मूल्य हैं जिनके आधार पर सारा समाज और सारी सृष्टि जो है वो चलती है। तो ये आपको जब तक नहीं पता लगता है कि डज हैप्पीनेस रिजल्ट फ्रॉम इग्नोरेंस और फ्रॉम नॉलेज, तो ये आपके प्रश्न चिन्मय प्रश्न हैं। तो किस तरह से आपने इनको हैंडल करना है, तो ये शॉर्ट स्टोरी को आप इस तरह से भी देख सकते हैं, और इवन सिद्धार्थ को तो देख ही सकते हैं इस दृष्टि से। चलिए, ये हम लगभग अंत में आ गए हैं। इस मॉडल का जो 17वां पक्ष है वो क्या है कि हरमन हेस की जो, तो जब आप मूल्यांकित करेंगे लिटरी वर्क को, तो मुझे लगता है कि उसमें हमें 9 जो पैरामीटर्स हैं उनको जरूर एवेल्युएट करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए, मैं फिर अगेन कोटेशंस में नहीं जा रहा, लेकिन जल्दी से आप लोगों के लिए इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि 9 पैराडाइम्स क्या हैं, कि साइकोलॉजिकल वेलबींग कैरेक्टर्स का क्या है, उसको हमें मूल्यांकित करना चाहिए। सेकेंडली, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, क्योंकि सिद्धार्थ लास्ट में जब सब कुछ छोड़ करके आता है, सारा बिजनेस कमला को छोड़ करके, और भूख से बहुत परेशान है, उस वक्त उसके जो हेल्थ की सिचुएशन है वो बड़ी अजीब सी है, और जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो आप नॉवल पढ़ते हुए देख सकते हैं। फिर यूज़ ऑफ टाइम को हमें देखना चाहिए किसी भी क्रिएटिव वर्क में। फिर कम्युनिटी वाइटलिटी कैसी है, उसमें वो देखना है। एजुकेशन का लेवल क्या है, उसमें कल्चर, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब यहाँ पे कोई स्टेट गवर्नेंस का नहीं है, लेकिन अगर उस तरह का नॉवल है तो वो उसको भी हम देख सकते हैं, लेकिन गवर्नेंस है कि अपने आप सेल्फ गवर्नेंस वाला पक्ष है, कि जैसे पहले तो वो श्रमणों के साथ बहुत एक गवर्न लाइफ जी रहा है, लेकिन धीरे धीरे उस गवर्नेंस को वो लूज करता चला जाता है कमला के साथ संपर्क में आके, और फिर वो बिल्कुल ही लूज होता चला जाता है। और लास्ट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपके पास कितनी कारें और कितने टीवी और कितने घर हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है कि हाउ फ्रीली ही इज लिविंग। फ्रीडम का इससे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और लास्ट में जैसे कि नदी के पास बैठ कर के वो, ही बिकम्स अ फेरी मैन एंड ही अंडरस्टैंड्स लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये 9 पॉइंट्स हैं, 9 पैराडाइम्स हैं किसी भी लिटरी वर्क को, इंग्लिश लिटरी वर्क को एवेल्युएट करने के संस्कृत शास्त्रों की दृष्टि से, और इसको आप इस एंगल से भी देख सकते हैं इजी समझने के लिए।
आप इसकी इवेल्युएशन कर सकते हैं कि अगर मैं बीच में सिद्धार्थ रख देता हूँ यहाँ पर, और फिर उसको जो है वो मेंटल वेलबींग के हिसाब से मैं उसको पॉइंट्स देने शुरू करूँ, और या उसको हेल्थ के एंगल से देखना शुरू करूँ, और टाइम यूज़ के एंगल से, एजुकेशन के एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, और सोशल मोबिलिटी, एनवायरनमेंट के एंगल से, गवर्नेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, तो इन 9 पॉइंट से अगर मैं उससे सारे को देखना चाहूँगा तो उसको मैं मूल्यांकित कर सकता हूँ, और इसके सब पॉइंट्स भी बनते हैं, लेकिन ये केवल आपके जानने के लिए और समझने के लिए है। चलिए लास्ट कंक्लूशन की ओर चलने से पहले एक दो बातें और हमारे जानने और समझने के लिए। देखिए, जितना भी लिटरेचर संस्कृत शास्त्र की दृष्टि से लिखा जाता है, उसका एक मूलभूत, उसका आधार ये होता है कि समाज और व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व अखंड हो, वो विकृत ना हो, उसको दिशा मिले, उसमें उसका व्यक्तित्व अखंडित रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर हमने को मोरालिटी लादनी है, ये मोरालिटी की बातें जो हैं वो संस्कृत शास्त्रों की नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व जो है उसकी पर्सनैलिटी इंटीग्रेटेड रहनी चाहिए, जो उसमें दोष आते हैं उनका परिमार्जन होना चाहिए। इसलिए जब भी आप किसी लिटरेरी वर्क को वैल्यूएट करते हैं, कि चाहे हिंदी का करें, इंग्लिश का करें, तो उसमें ये तीन चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी जो बुद्ध ने हमें सिखाए। बुद्धिज्म में आप देख सकते हैं कि सम्यक दृष्टि, यानी कि अप्रोप्रिएट विजन क्या है, उसका संकल्प अप्रोप्रिएट, उसके विल क्या है, स्पीच में अप्रोप्रिएटनेस का लेवल क्या है, उसके एक्शंस में अप्रोप्रिएटनेस है कि नहीं है, उसकी जीविका जीने का जो तरीका है उसमें अप्रोप्रिएटनेस क्या है, एक्शंस, उसकी एफर्ट्स, एक्शंस तो कर्म हो गए, उसकी एफर्ट्स जो है वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, उसकी मेमोरी कितनी अप्रोप्रिएट है, और उसका नॉलेज सिस्टम वो कितना अप्रोप्रिएट है, सम्यकता उनमें कितनी है। तो यही सारी की सारी बात हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। आप इस सारी बात को यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। एंड सो गौतमा वंडर्ड इन टू द टाउन टू ऑब्टेन आर्म्स, एंड द टू शमनाज रिकग्नाइज्ड हिम ओनली बाय हिज कंप्लीट पीसफुलनेस ऑफ डिमेनर, बाय द स्टिलनेस ऑफ हिज फॉर्म इन विच देयर वॉज नो सीकिंग, नो विल, नो काउंटरफीट, नो एफर्ट, ओनली लाइट एंड पीस। तो पूरी की पूरी सम्यकता आप यहाँ पर देख सकते हैं, और पूरे का पूरा जो इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस सारा जो अभी तक आपने ये जो मॉडल देखा है, उस मॉडल में जो मैसेज इंटरप्रिटेशन है, जो कुछ कम्युनिकेट किया गया है आपको ऑथर के द्वारा नॉवल के थ्रू, उसके ये लेवल्स होते हैं कि इंट्रोडक्शन, जब भी आप इसका थीसिस लिखें तो उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे ऑथर को, उसके इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि क्या चाहता है सेंडर जो है, जो ऑथर है वो क्या चाहता है कि आप क्या जानें, फिर उसके कंक्लूजन्स क्या हैं उसको आप देखेंगे। रेपिटिशन का मतलब है कि जब आपने कंक्लूजन्स देख लिए तो फिर बार बार आपको उसके रिवाइज करना है, उसको रिविजन्स करने हैं, उसको एवेल्युएट करने के, फिर उसमें आपने अपूर्वता यानी कि न्यूनेस देखनी है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन जिसे आप कह सकते हैं, और फिर उसके बाद उसका फल देखना है कि इट मस्ट गिव अस ए रिजल्ट। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द रिसीवर फोकसेस, रीडर फोकसेस अपॉन द एम्ड गोल ऑफ द कम्युनिकेटर, जो ऑथर है वो क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उस रिजल्ट पे भी उसको एवेल्युएट करना चाहिए अपने थीसिस के लास्ट में। जैसे सिद्धार्थ है कि आफ्टर ऑल वो ह्यूमन लाइफ की अंडरस्टैंडिंग क्या है, ह्यूमन लाइफ का मीनिंग क्या है, अपने होने का आपका मीनिंग क्या है, वो सारी के सारा वो उसका फल है। और लास्टली आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्थवाद एवं उत्पत्ति, कि अर्थवाद इंक्लूड्स प्रेज फॉर वन पर्टिकुलर थिंग एंड रेपुडिएशन फॉर ऑपोजिट थिंग। इन दिस फेज ऑफ मैसेज इंटरप्रिटेशन, रिसीवर्स और रीडर्स आर टॉट टू ट्रेस लॉजिक इन सपोर्ट ऑफ स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू।
तो जो कुछ ऑथर कहना चाहता है, जो कुछ वो बताना चाहता है, तो उसके सपोर्ट में आपके पास कौन से आर्गुमेंट्स हैं, कैसे आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, ये सारे का सारा अर्थवाद और उत्पत्ति में आता है। तो सारे मॉडल को जानने के बाद आपको इस तरह से उपक्रम से लेकर के उपसंहार करते हुए अभ्यास और अपूर्वता और फल और अर्थवाद, इन सब चीजों का भी अभ्यास करना चाहिए, जानना चाहिए। और अब ये जो संस्कृत शास्त्रीय अपारंपरिक समालोचन की जो प्रक्रिया है, वो एक संस्कार की प्रक्रिया है। वो आपके दोषों को निकालता है, गुणों को स्थापित करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे पहले वो आपको संवेदनशील बनाता है, फिर वो आपका बीच में संस्कार करता है। पहले तो आपको संवेदनशील होना है, फिर आपका संस्कार के गुणों को स्थापित करना, दोषों को निकालना, ताकि आप एक योग्य क्रिटिक बन सकें, और फिर आप क्रिटिक वाला जो दायित्व है उसका वर्णन करें, वो है अधिकार। ऑथराइज होते हैं, अधिकार का मतलब है ऑथराइजेशन, वो राइट की सेंस में नहीं होता, वो ऑथराइजेशन की सेंस में होता है। एक दो बातें अंत में जो वुमेन नॉवलिस्ट हैं उनको लेकर के भी करते हुए हम इस आज की इस सारी चर्चा को समाप्त करते हैं। वो क्या है कि जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि स्त्री शब्द जो है वो वुमेन का अनुवाद नहीं होता, ना नारी हो सकता है, ना और जितने भी शब्द हैं। औरत तो फारसी का शब्द है, उसको बीच में अरबी का शब्द है, उसको मत डालिएगा बीच में, वो उसका संस्कृत से कोई संबंध नहीं है। लेकिन स्त्री शब्द जो मुख्य रूप से प्रयोग होता है, नारी होता है, और बहुत सारे शब्द हैं, तो वो वुमेन का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, नहीं हो सकता। क्योंकि स्त्री वुमेन जो है वो गॉड ने जो है वो एडम की पसली से उसको पैदा किया है और उसके एंजॉयमेंट के लिए किया, तो वो वुमेन स्त्री का अर्थ कभी भी नहीं दे सकती। तो स्त्री के दो तीन पक्ष होते हैं जो ना अरुंधति रॉय शायद कभी समझ पाई हैं, ना दूसरे और ऑथर्स जो हैं वो कमला दास वगैरह जो कभी समझ पाए हैं, झुम्पा लाहिरी कभी समझ पाई है। लेकिन क्योंकि वो लिखती हैं और हम लोग उन्हीं को फॉलो अप करते हैं, और हमें लगता है कि हमने जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की हमने सारी बात कर दी है, फेमिनिस्ट मूवमेंट को हमने स्थापित कर दिया। वो लग सकता है, अपेरेंट रियलिटी हो सकती है, लेकिन वो कम से कम भारतीय परिप्रेक्ष्य में वो बहुत सटीक नहीं है। देखिए होता क्या है कि स्त्री के दो पक्ष, संस्कृत की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, एक होता है आकर्षण पक्ष, एक होता है विकर्षण। अपनी ओर आकर्षित भी करती है और वो विकर्षण भी करती है, उसे वैराग्य भी देती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी मैं उनमें नहीं जा रहा, लेकिन केवल पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। दूसरा स्त्री का पक्ष है उसकी संतति, उसकी संतान, और दूसरा है सौभाग्य। अब सौभाग्य को केवल आप ये समझ लें कि वो पति के अधीन रहती है, वो करती है, ऐसा नहीं है। सौभाग्य उसकी सौंदर्य से संबंधित है। और तीसरा जो लेवल है स्त्री का, वो है उसकी सत्ता स्वातंत्र्य, उसका अपना होना। इसीलिए अर्धनारीश्वर की भी जब बात होती है तो वो ऑपोजिट के सेंस में नहीं होता, तो वो इक्वली वहां पर है। और क्रिया स्वातंत्र है, उसका फ्रीडम ऑफ एक्शन, उसके एग्जिस्टेंस की फ्रीडम और उसके जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है वो दोनों है, उसके बीच में जाकर के एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। तो स्त्री सशक्तिकरण इन चीजों के बीच में से चलता है, आकर्षण और विकर्षण, संतति और सौभाग्य, सत्ता स्वातंत्र्य और क्रिया स्वातंत्र्य, ठीक है। लेकिन अरुंधति रॉय जैसे जो हैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में लिखते हैं, शी वोर फ्लावर्स इन हर हेयर एंड कैरिड मैजिक सीक्रेट्स इन हर आइज, शी स्पोक टू नो वन, शी स्पेंट आवर्स ऑन द रिवर बैंक, शी स्मोक्ड सिगरेट्स एंड हैड मिडनाइट स्विम्स। वाह, कमाल की बात है। और इससे क्या सिद्ध हुआ, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इंडिविजुअलिटी के ऊपर आप बेशक जोर दीजिए, लेकिन इंडिविजुअलिटी भी तो मीनिंगफुल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सो ये संस्कृत का पक्ष है, और ये अरुंधति रॉय का वुमेन के बारे में है, ये स्त्री के बारे में संस्कृत का पक्ष है। झुंपा लाहिरी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं,
बातें तो और भी हो सकती थी। प्रॉब्लम क्या है कि जो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि जो कुछ हमें दिया गया है, थिंग्स विच हैव बीन गिवन टू अस, और उसके लिए हमने जो प्रतीक बनाए हैं, सिंबल्स बनाए हैं, उनके बीच में जो हमारी समझ बनती है वो उसमें बैलेंस नहीं आया, उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुई, उसमें एक जो एसिमिलेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमने सारे के सारे जो एजुकेशन सिस्टम दिया वो जेंडर बेस्ड दिया, मेल फीमेल जेंडर, वुमेन जेंडर, मेल और मैन जेंडर, इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारी सारे हमने सारी की सारी लैंग्वेज डेवलप कर दी। जबकि चाहिए ये था कि हम लैंग्वेज एजुकेशन जो डेवलप करते वो मैस्कुलिन एलिमेंट और फेमिनाइन एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन डेवलप करते, और लोगों को, स्टूडेंट्स को, दूसरे सबको ये बता पाते कि हर आदमी के भीतर एक फेमिनाइन एलिमेंट होता है और हर स्त्री के भीतर एक मैस्कुलाइन एलिमेंट होता है, हर स्त्री के भीतर एक पुरुष होता है और हर पुरुष के भीतर एक स्त्री होती है। उन तत्वों को हम नहीं समझा पाए अपने, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के कारण, अपने कॉरपोरेट सेक्टर की वजह से, अपने बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से, बहुत सारे कारण हैं, तो उसको नहीं समझा पाए। इसलिए जो स्त्री को लेकर के जो विमर्श पैदा करने की अंग्रेजी साहित्य में कोशिश की गई है, उससे बहुत सहमत मैं नहीं हूँ। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि जितने भी वुमेन राइटर्स हैं, जितने हम कवर कर सकते हैं, तो संस्कृत की दृष्टि से, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बेस पे, संस्कृत शास्त्रों के लिटरेरी क्रिटिसिज्म के मॉडल के आधार पर, हम अगली बार जो है वुमेन राइटर्स को भी उसमें टेकअप करें। और ठीक वैसे ही जब मैं कह रहा हूँ कि भाई फेमिनाइन एलिमेंट जब तक नहीं आएगा और मैस्कुलाइन एलिमेंट को जब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे, ना उसकी सेंस पैदा करेंगे, ना समझा पाएंगे, तब तक आप जितना मर्जी संघर्ष पैदा करते रहें, तो जेंडर बेस्ड, जब तक आप जेंडर बेस्ड सेंसिटाइजेशन जब आप करेंगे, तो निश्चित रूप से आप संघर्ष पैदा करेंगे, आप कन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे, आप फ्रस्ट्रेशन पैदा करेंगे, आप परिवारों को तोड़ सकते हैं, मनुष्य को तोड़ सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत बात महत्व की है कि संस्कृत के पर्सपेक्टिव से मैस्कुलाइन एलिमेंट और फेमिनाइन एलिमेंट, इनको हम देखें, समझें और इस बात के लिए सेंसिटाइज कर सकें। और ये कैसे होगा, इसको फिर कभी हम नेक्स्ट टाइम किसी टॉपिक में लेंगे। और यहाँ पर आकर के मैं अपनी बात आप लोगों के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि इतना लंबा जो व्याख्यान था उसको आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, और मैं निश्चित रूप से आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दें। हालांकि ये पूरी तरह से फाइनली ट्यून्ड नहीं था, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे विषय इसमें समय सीमा की वजह से मुझे संक्षिप्त रखने पड़े हैं, एक एक बात की हम समालोचना नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए अगर आप इन विषयों के ऊपर अपनी टिप्पणियाँ, आलोचनाएं अगर हमारे साथ साझा करेंगे, तो हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे, सुधार कर पाएंगे और इसे ज़्यादा मीनिंगफुल, अप्लाइड, रेलिवेंट बना पाएंगे। तो ये एक पहला प्रयास था संस्कृत विभाग का इस दृष्टि से। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं और प्रति संवेदन से हमें अवगत कराएं, और आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यदि आप में से किसी को ये पावर पॉइंट चाहिए होगी तो वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर लेंगे, नहीं तो ये सारे का सारा यहाँ पे तो उपलब्ध है ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं या इसको यूट्यूब पर अपने कमेंट समय डाल सकते हैं और मुझे डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, 9464558667। तो इस नंबर पे आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, और फिर दोबारा हम मिलेंगे संस्कृत के टिप्पणी
किसी न किसी नए पक्ष को लेकर के उसके अप्लाइड सेंस को लेते हुए, अप्लाइड पक्ष को ध्यान में रखते हुए हम दोबारा आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।